नमस्कार दोस्तों, अब परीक्षा तो नजदीक आ गई। मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहूंगा, ना ही कोई बात बोल के टाइम खराब करना चाहूंगा, क्योंकि अब मेरा कोई हक नहीं बनता कि बेवजह मैं ये कहूं कि हम स्लोली चलेंगे। ये कोई मतलब नहीं है। पूरी हिस्ट्री की प्रूफ रीडिंग मारता हूं मैं, पूरी इतिहास की। आप ये भी मत कहना सर समझ में नहीं आया, इसको 2-3-4-5 बार देखना जाने से पहले। मैं बोलता हूं अगर 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए तो इसमें से 10 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे। पूरी आज प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम, ना कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं तो बस आपको रीडिंग मरवा रहा हूं इतिहास की। चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमारे आएंगे राजवंश। एक मिनट दोस्तों, इधर रख देता हूं मैं इनको। सबसे पहले हमें राजवंश देखने हैं। कौन कौन से राजवंश हैं? कछवा है, चौहान, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़, बाटी, जाट। ये महत्वपूर्ण राजवंश है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चार है, कछवा, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। इनसे भी कई बार प्रश्न आता है, लेकिन ज्यादा इनसे उठाता है। इसके बाद में जो टॉपिक बचे हैं, किसान आंदोलन है, एकीकरण है, सभ्यता वगैरह, उनसे प्रश्न। तो मैं सारा रीडिंग मारता हूं, प्रूफ रीडिंग मारता हूं, इसको 2-3 बार आप देखना। सबसे पहले हम उठा लेते हैं कछवा राजवंश। कछवा राजवंश के सारे शासक लिखता हूं एक साइड में, फिर देखते हैं। सबसे पहले है तेजकरण या दुलेराय, एक ही बात है। इसके बीच में 2-3 शासक आते हैं, उनको बाद में देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट शासक आता है भारमल। भारमल का पुत्र है भगवान दास, भगवान दास का पुत्र है मानसिंह। पहले हम इतनों को ही देखते हैं, बोर्ड पर इतने ही आएंगे। कछवाओं का जो शासन था वो दोस्तों इस साइड में था, यहां डुडाड़ के आसपास। इधर पड़ता है नरवर। माता सीता के दो पुत्र थे, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। कुश के वंशज जो आगे चले वो कुशवा कहलाए, और कुशवा से बना हुआ शब्द है कछवा। यानी कछवा अपने आप को भगवान राम के पुत्र मानते हैं, कुश भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं इन्हें। कुश यानी इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। मेवाड़ के महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज, और इन्हें कहा जाता है रघुकुल। इनका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्य ते जयते। उन सिसोदियों का या मेवाड़ के महाराणाओं का आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। इनको रीडिंग मारते रहना, ये नहीं लिखे जाएगा, मैं इतने फास्ट बोल रहा हूं, बस इनको आप सुन लेना 2-3 बार। इसके बाद में कछुआओं में सबसे तेज शासक था तेजकरण, बहुत ज्यादा सुंदर था। सुंदर को बोलते दुला, तो नाम हो गया दुलेराय। इसने क्या किया, तेजकरण या दुलेराय ने दोसा के अंदर बड़ गुजरों को हराकर 1137 में अधिकार कर लिया और अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई दोसा। दोसा के नजदीक एक स्थान है मांझी, मांझी को जीत के इसका नाम कर दिया रामगढ़। और यहां एक माता का मंदिर बनवाया जिसका नाम है जमवाय माता। ये कछवाहों की कुल देवी है। कछवा वंश का संस्थापक तेजकरण या दुलेराय है, यानी कछवा वंश का संस्थापक हो गया, कछवा वंश का संस्थापक हो गया तेजकरण। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। रणथंबोर के चौहानों का गोविंद है, जालोर के चौहानों का कीर्तिपाल है। गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य, ध्यान रहे, चलो बाद में करें। सिसोदियों वंश का संस्थापक है राणा हमीर। राठौड़ वंश का संस्थापक है राव सिंहा। बाटी वंश का संस्थापक है बट्टी। जाट वंश का संस्थापक है चूड़ामन। बस सुनते जाओ इनको, टेंशन मत लेना किसी चीज की। कईयों में वास्तविक भी आता है, जैसे इनमें वास्तविक आएगा गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। सिसोदिया राजवंश, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है, राव चूड़ा को माना जाता है। और जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। इन तीनों में वास्तविक भी आते हैं, एक सीधा संस्थापक, एक वास्तविक। वास्तविक क्या होता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ, अब यह जमवाय माता कछवाहों की क्या हो गई, कुल देवी। दो चीजें होती है, एक कुल देवी होती है, एक आराध्य देवी होती है। इनकी परिभाषा वगैरह कंपिटिशन में कोई नहीं पूछता, जब बच्चों को पढ़ाते हैं टाइम होता है तब इन पे
अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं। एक बार मैं सीधे ही बता देता हूं, इनकी आराध्य देवी है शीला माता। शीला माता आगे आएगी मानसिंह के समकालीन, मानसिंह के समय आएगी शीला माता। ऐसा दो ही जगह है, बाकी सब में जैसे चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता है, सिकर के चौहानों की कुल देवी जीण माता है, जालौर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है, गुइल और सिसोदे उनकी बाण माता है, राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता है, बाटियों की कुल देवी स्वांगिया माता है, जाट राजवंश की कुल देवी राजेश्वरी माता है। यानी दो में आएगा, कछुआ राजवंश की कुल देवी जमुआई माता और आराध्य देवी शीला माता, राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता और राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता। इन दो में आराध्य आती, बाकी सब में क्या आएगी, कुल देवी ही आएगी। इसके बाद में तेजकर्ण का पुत्र आया दुलय राय, इसने क्या किया, यहां पड़ता है आमेर। आमेर में उसने मीणाओं को हरा के आमेर पे अधिकार कर लिया। कब गुरुजी? 1207। और राजधानी किसको बना ली? आमेर को। आमेर राजधानी तब तक रहेगी जब तक जयपुर नहीं बनेगा, 1727 तक। यानी कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा होगी, दूसरी रामगढ़ होगी, तीसरी आमेर, चौथी और फाइनल राजधानी होगी जयपुर। इसके बाद में शासक जो आएगा उसका नाम है रामदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, कदमी महल, और इस कदमी महल में आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। जोधपुर के राठौड़ राजाओं का जो राज तिलक होता था वो श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर होता था। ध्यान रहे, श्रृंगार चौरी अलग है, चौकी अलग। चौरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और चौकी जो है वो जोधपुर दुर्ग में है। इसके अलावा मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक पान्येड़ा नामक स्थान पर होता था। तीनों का कई बार राज तिलक भी पूछ लेते कि कौन करते थे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य ज्यादा होगा उसे साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना आप शासन नहीं कर पाओगे। जयपुर में मीणा सर्वाधिक है तो जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे। मेवाड़ में भील ज्यादा है, मेवाड़ राणाओं के राज तिलक भील करते थे। और बीकानेर राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे। तीनों का ही आता है, बाकी का उल्लेख नहीं आता कि भी कौन करता था। आगे देखते हैं, बस इनको दो तीन बार पढ़ना आप, पहली बार इसको देखना, अगर दूसरी बार शॉर्ट में नोट्स बनाओ तो दूसरी बार बनाना। इसके बाद में आएगा पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ, इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया और आमेर 12 कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए पृथ्वीराज कछुआ गया था, वो हम सांगा के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो शासक है वो है भारमल। भारमल का एक ही प्रश्न है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ही पूछा गया। आमेर का शासक भारमल है और उस समय दिल्ली का था अकबर। भारमल 1556 में मजनू खां के सहयोग से अकबर से मुलाकात हुई, कोई समाधान नहीं हुआ था। अकबर जियारत के लिए, जियारत क्या होती है, ये जात होती है एक तरीके, हम जात बोल देते हैं, जैसे हम हनुमान जी के जाए वो जात है और मुस्लिम भाषा में जियारत। इसने एक नीति अपनाई थी सुलह कुल, वो नीति वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अपने प्रश्नों पर आते हैं सीधे। अकबर जियारत के लिए अजमेर जा रहा था ख्वाजा साहब के, और यहां सांगानेर में रुका, और सांगानेर में भारमल अकबर से मिलने के लिए आया 1562 में और अधीनता स्वीकार की। सबसे ज्यादा जो इसका प्रश्न भारमल का आज तक पूछा गया वो यही पूछा गया, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक भारमल, प्रथम शासक भारमल, प्रथम रियासत आमेर और प्रथम वंश कछुआ। इसके बाद में जियारत के बाद में जब अकबर वापस जा रहा था तो यहां सांबर में हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज से जोधा और अकबर का विवाह हुआ था। पीछे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि जोधा और अकबर की विवाह स्थली रही है सांबर। इसके बाद में बारमल मुगल दरबार में ये अधीनता स्वीकार कर ली थी, कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। इन्होंने बारमल को 5000 की मनसबदारी दी। ये राजस्थान का प्रथम मनसबदार है, प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाला भी भारमल है, वैवाहिक संबंध करने वाला भी भारमल है और राजस्थान का प्रथम मनसबदार भी भारमल है। सर मनसबदार क्या है? ये एक प्रथा है जो मुगलों ने मंगोलों से ली थी, यानी इससे पद का पता चलता था। नीचे से नीचे मनसबदारी 10 की और ऊपर से ऊपर होती थी 10,000 की। 5000 से ऊपर की मनसबदारी सिर्फ शहजादों को मिलती थी, जबकि जहांगीर सलीम को मनसबदारी 12,000 की थी। ये राजस्थान का पहला मनसबदार है भारमल 5000, और भगवानदास को भी मनसबदारी मिली थी 5000 की।
मान सिंह को सर्वाधिक मिली थी 7000 की पहली बार। अकबर के दरबार में दो ही व्यक्तियों को 7000 की मनसबदारी थी, एक मान सिंह को, एक मिर्जा अजीज कोका को। इसके बाद बारमल में एक कस्बा भी बसाया था दोसा के अंदर, लवाण कस्बा, और एक मस्जिद भी बनवाई थी जयपुर में, आमेर में जामा मस्जिद, जयपुर तो अभी बना नहीं है। ठीक है, भगवान दास की विशेष बात नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के रूप में गए थे और चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के समय अकबर के साथ थे भगवान दास जी। इसके बाद में भगवान दास जी की पुत्री थी जिनका नाम था मानबाई, इनका विवाह सलीम से हुआ जिनसे खुसरो का जन्म हुआ। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आता है वो है मानसिंह। मानसिंह ऊपर कौन है? अकबर। देखो, मानसिंह जब बच्चा था तभी चला गया था अकबर के दरबार में, लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में पहली बार मुलाकात हुई। वो पहली बार मानसिंह अकबर के साथ रणथंभौर अभियान पे गया था, सुरजनहाड़ा था, वहां उन्होंने चतुरता दिखाई। मानसिंह बचपन में चला गया था, बहुत लंबी सेवा की, लगभग 50 से 55 वर्ष। इतनी लंबी सेवा करने का मतलब पुत्र, अकबर इन्हें अपना पुत्र मानता था, फर्जंद मानता था। एग्जाम में फर्जंद ही पूछा जाएगा, पुत्र नहीं पूछा जाएगा। फर्जंद उपाधि किसकी थी, किसने दी? मानसिंह को। मानसिंह को छोटे मोटे अगर काउंट कर दें तो 67 युद्धों में भाग लिया था मानसिंह ने, और मानसिंह पुत्र के समान था। तो मुगल दरबार में, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उन नवरत्नों में भी मानसिंह का स्थान था। सर, नवरत्न कौन कौन से थे? सीधा सूत्र याद रख लेना, बात बात में MDH। इसका जो प्रश्न आता है वो हमेशा ऐसे आता है, निम्न में से नवरत्नों में शामिल नहीं था। बात बात में MDH, बी का मतलब भगवान दास, अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मानसिंह, दो प्याजा और हकीम हुकाम। लास्ट कौन है? हकीम हुकाम। अब भगवान दास को नहीं माना जाता तो कुछ किताबें मानती है फेजी को, तो ध्यान रखना फेजी है वैसे, और हकीम मुकाम ऑप्शन नहीं हो तो होगा फकीर अजीबुद्दीन, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो, मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया, कुंवर मानसिंह है, ध्यान रखिए अभी तक राजा नहीं बना है, कुंवर मानसिंह है, काबुल का सूबेदार बनाया गया। काबुल से जब वापस आ रहे थे तो बीच में आता है लाहौर, लाहौर से मानसिंह राजस्थान में एक कला लेके आए थे जिन्हें बोलते हैं ब्लू पोटरी। ब्लैक पोटरी कोटा की है, कागजी पोटरी अलवर की है, और ब्लू पोटरी है जयपुर की, और ब्लू पोटरी का प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। फिर मानसिंह को सूबेदार बनाया गया था बिहार का, पटना का। बिहार के अंदर अभी कुंवर मानसिंह ये राजा नहीं बने, और जब बिहार में थे तब इनके पीछे से पिता की मृत्यु हो गई। भगवान दास की नियम यह होता है कि वारिस जहां कहीं भी हो राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, उनका राज तिलक कर दो। तो मानसिंह का पहली बार राज तिलक जो है वो पटना बिहार में हुआ था। इसके बाद में मानसिंह जी को 3 बार सूबेदार बनाया गया बंगाल का। बंगाल को मानसिंह जी ने 3 भागों में बांटा और बंगाल में मानसिंह जी के 3 पुत्र मारे गए। 3 बार सूबेदार, 3 पुत्र मारे गए, 3 भागों में बांटे। 3 भागों के नाम बताओ सर। वीर मान सिंह, वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, ये 3 पार्टों के नाम है। 3 भागों में जो बांटे थे वो नाम है। 3 पुत्र मारे गए तो उनमें से एक ही पुत्र का नाम याद रखना है जिसका नाम है जगत सिंह। क्यों गुरुजी? जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी और जगत सिंह की मम्मी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। बताते हैं ये जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वह मूर्ति है जिसकी बचपन में मीरा पूजा करती थी। इसके बाद में बंगाल का क्लाइमेट सेट नहीं हुआ था मानसिंह के, तो बंगाल की देखरेख अजमेर रहकर की थी। इसके बाद में यहां जो शासक था एक केदार सिंह,
बताते हैं केदार के पास शिला माता की मूर्ति थी। शिला बोलते हैं पत्थर को, वैसे पत्थर के ऊपर मूर्ति है तो शिला माता नाम है। अलग अलग कहानियां आती है शिला माता की, हम शॉर्ट में जो पर्सन है वो ध्यान रखते हैं, कहानियां तो फुर्सत के समय की होती है। शिला माता जो है, बताते हैं शिला माता की विशेषता थी, अगर शिला माता की पूजा करके कोई मैदान में आ जाए तो उसकी निश्चित जीत होगी। और मानसिंह जी ने बीच में विदन डाला और शिला माता की मूर्ति छीन ली। कुछ बताते हैं केदार को हराया, इसने अपनी पुत्री का विवाह किया मानसिंह से और शिला माता की मूर्ति दे दी थी। और शिला माता की मूर्ति मानसिंह जी ले आए आमेर में और यहाँ मंदिर बनवाया शिला माता। शिला माता की विशेषता यह है कि इनके ढाई प्याला शराब चढ़ता है। वैसे जीन माता की भी ढाई प्याला चढ़ता है, ढाई साका जैसलमेर के है और ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर है। इसके बाद में अकबर के बाद में बादशाह बन गया जहांगीर। जहांगीर से विद्रोह किया था इसके पुत्र खुसरो ने। खुसरो मानसिंह का भांजा था और खुलकर पक्ष लिया था मानसिंह ने खुसरो का। इस वजह से जहांगीर नाराज हो गया था, मानसिंह को दक्षिणी अभियान में एलियचपुरा में भेजा जहां मानसिंह जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद में आगे के शासक देखते हैं। फास्टली है ये, रीडिंग मार रहा हूं, प्रूफ रीडिंग है ये, कोई स्लो नहीं है। स्लो का आप टाइम ही नहीं रहे, दो दिन तो पूरे बचे हैं और पूरी इतिहास की रीडिंग मारूंगा। स्लो वाले अब कोई बात नहीं रही है, स्लो करके तो आपका टाइम खराब करना है। इनके बाद में जो शासक आएंगे, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह और माधो सिंह, ये शासक आएंगे। देखो इन दोनों को साथ में कंपैरिजन में देख लेते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह की क्या बात है और सवाई जय सिंह की क्या बात है, आराम से याद हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रहे, इन दोनों का जब भी प्रश्न आएगा दोनों ऑप्शन देगा। जैसे वो आपसे पूछेगा बिहारी किसके दरबार में था तो दोनों ऑप्शन देगा। अगर वो आपसे पूछा पुरंदर संधि किस किस के बीच, दोनों ऑप्शन देगा। वो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, दोनों ऑप्शन देगा आपको। देखो ऐसे याद करेंगे, एम पहले आता है, मिर्जा राजा पहले हुआ है, एस बाद में आता है, स्वाई जय सिंह बाद में हुआ है। मिर्जा राजा जय सिंह इसमें तीन शब्द है, इसने तीन मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर साजा और औरंगजेब। सहसे स्वाई सहसे साथ, इसने सात मुगल बादशाहों की सेवा की। अब जो प्रश्न ध्यान करना है वो देखो, स्वाई जय सिंह का शासन काल है 1621 से 67, यानी 46 साल शासन किया। तीन प्रश्न बनते हैं, मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला शासक तो है मानसिंह, 50 से 55 वर्ष, क्योंकि मानसिंह ने मुगलों की लंबी सेवा की लेकिन राजा ज्यादा समय तक नहीं रहा। राजा रहा था 1589 से 1614, यानी कितने हो गए, लगभग 25-1 साल। यहां देखो 46 वर्ष, सबसे लंबा शासन करने वाला कछवा राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने, और सर्वाधिक बादशाहों की सेवा करने संख्या, मानसिंह ने दो ही मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर की। इधर देखो सात सात ऐसे हो गए, क्योंकि औरंगजेब के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था, कोई एक साल रुका कोई दो साल रुका। अब देखो इनका, मिर्जा राजा जय सिंह, ये बीच वाला साजा गंधार अभियान पे जाते समय मिर्जा राजा की उपाधि थी। मिर्जा राजा के बाद में स्वाई जय सिंह हुआ और साजा के बाद में औरंगजेब हुआ, तो इन्हें स्वाई राजा की उपाधि किसने दी, और ऐसे प्रश्न ही ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। मिर्जा राजा की किसने दी, स्वाई जय सिंह की किसने दी, मिर्जा राजा की साजा ने दी और स्वाई जय सिंह की किसने दी, कोई समस्या नहीं है इसमें, आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बाद में इन्हें स्वाई जय सिंह को वैसे चाणक्य भी कहा जाता है और मिर्जा राजा को औरंगजेब ने बाबाजी की उपाधि भी दी थी। ये तो एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए, थोड़ा सा रखो तो रख लेना। अब इनके काम देखते हैं, इनके दो ही बातें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो बिहारी जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और दूसरी है पुरंदर की संधि। प्रश्न फिक्स है, बिहारी किसके दरबार में था, मिर्जा राजा जय सिंह पहले वाले के, स्वाई के नहीं। बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखी थी, बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा इन्हें एक एक स्वर्ण मुद्राएं दिया करता था और इन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी।
बस एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है, बिहारी किसके दरबार में था। पुरंदर की संधि 22 जून या 16 जून दोनों ही सही है, 1665, वेरी इंपॉर्टेंट संधि। शिवाजी को 44,000 सेना लेके गया था, औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को 44,000 सेना देके और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। इसके बाद में संधि हुई, संधि के तहत 35 में से 23 दुर्ग औरंगजेब को दिए थे, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और मिर्जा राजा के कहने पर ही शिवाजी औरंगजेब से आगरा के किले में मिलने गए थे, जिन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया था। 1666 की बात है, शिवाजी अपने स्थान पे हीरोजी फरजंद हमसकल था उनको सुलाकर वहां से फरार हो गए थे। तो ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 पुलिस में आई थी, 1665 है और 35 में से 23 दुर्ग दिए। स्वाई जय सिंह की कई डेटें इंपॉर्टेंट है, 1708, 1727, 1734, 1740, 40 तो छोड़ो, ये तीन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। 1708 में क्या है, 1708 में एक समझौता है देबारी, देबारी पड़ता है उदयपुर में। छोटी सी बात है, जल्दी से बता देता हूं, समझौता आपको नहीं पूछे, ज्यादा ज्यादा है, डेट ही है। यहां का शासक जयसिंह, मारवाड़ का था अजीत सिंह और मेवाड़ का था अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड, इनके बीच में हुआ था ये संधि। ये तीनों इनके पास गए थे अपनी भूमि वापस लेने के लिए, आजम और मुअज्जम के बीच में जो वो किस्सा था। अमर सिंह ने कहा कि मेरी पुत्री है चंद्रकमरी, उससे विवाह करना पड़ेगा स्वाई जय सिंह तुझे, और इनके जो संतान होगी, वो संतान हुई थी माधो सिंह, वो आमेर का राजा बनेगा। इसने संधि मान ली, लेकिन स्वाई जय सिंह के पहले पुत्र का जन्म हो गया था ईश्वर सिंह का, और नियम यह होता है कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। इस वजह से, इस एक समझौते की वजह से आमेर के अंदर भावी, आमेर नहीं बाद जयपुर हो जाए, जयपुर के अंदर भावी उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। ईश्वर सिंह और माधव सिंह आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, दोनों सौतेले भाई। इस वजह से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है देबारी समझौता। 1727 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी और जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। अगर आपसे पूछ ले आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना मिर्जा इस्माइल है। वैसे जयपुर का पूछे तो स्वाई जय सिंह है, आधुनिक का मतलब जो जयपुर हमें अब मिला हुआ है। स्वाई जय सिंह ने जो जयपुर बसाया था वो चारों ओर से बंद था, चौकड़ियों का शहर, चारों ओर से बंद था, और मिर्जा इस्माइल ने चारों ओर वो दीवारें हैं वो तुड़वा के जयपुर का विस्तार कर दिया था। इस वजह से आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल है, और वैसे जयपुर का निर्माता हो गया स्वाई जय सिंह। 1734 इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्या हुआ इसमें, देखो क्या हुआ, वही स्वाई जय सिंह, मेवाड़ का उस समय था संग्राम सिंह, सेकंड संग्राम सिंह है। जय सिंह गया संग्राम सिंह के पास कि मैं मराठों से परेशान हो गया, ऐसा कोई उपाय करो कि मराठों से पीछा छूटे। संग्राम सिंह ने कहा कि एक सम्मेलन रखो, कहां, हुरडा में, कब, 1734 में। लेकिन संग्राम सिंह की पहले मृत्यु हो गई, बोला अध्यक्ष मैं ही रहूंगा। इसकी मृत्यु होने के कारण अगला शासक बना था जगत सिंह सेकंड, और इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की, इसका आयोजन करता स्वाई जय सिंह था। 1734 ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपुताना एक हुआ है। इतिहास में पूरा राजपुताना दो बारी एक हुआ है, एक संग्राम सिंह के समय 1528 में खानवा युद्ध के समय, और दूसरी बार 1734 के अंदर। अब यहां गड़बड़, सारे शासक आए थे यहां, बीकानेर का जोरावर सिंह राठौड़ आया था, जोधपुर का अभय सिंह राठौड़ आया था, और यहां से सुरजन हाड़ा, दलेल सिंह हाड़ा आया था, यहां बूंदी से दुर्जन साल हाड़ा आया था, कोटा से यशवाई जय सिंह, कई शासक आए थे यहां। अब यहां गड़बड़, आपसी मनमुटाव ही हो गया था अध्यक्ष पद को लेके। ऐसे सेना ने ये योजना बनाई कि अब तो हम जा नहीं सकते, सातवां महीना है, वर्षा ऋतु है, क्योंकि वर्षा ऋतु नर्मदा और ताप्ती नदियों में पानी आ जाता है। नियम ये बना, ये यहां तय हुआ था कि हम सीधा मराठा महाराष्ट्र चलेंगे और वहां युद्ध करेंगे।
तो इन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के बाद में हम सब कोटा के रामपुरा गांव में इकट्ठा होंगे। लेकिन वहां ये मान लो फेल हो गया था, कोई नहीं आया था, लेकिन ये इतिहास का दूसरा दौर है जब पूरा राजपुताना एक हुआ है। तो आप ये इतना याद रखो, उरड़ा भीलवाड़ा में पड़ता है, 1774 में हुआ था। ये भी पूछ लिया किन के विरुद्ध हुआ था, मराठों के विरुद्ध हुआ था हुरडा सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने पहले संग्राम सिंह को बनाना तय हुआ था, और स्वाई जयसिंह इसका आयोजन करता। स्वाई जयसिंह अंतिम हिंदू बादशाह था, अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में। स्वाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख। इन दोनों के बीच में युद्ध में उत्तराधिकारी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फुर्सत के समय बताए जाते हैं। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है यहां, ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनवाई थी, इसके सात खंड है, सात मंजिल नहीं है, ध्यान रखना इसके सात खंड है, क्योंकि सात राजाओं को हराया था एक साथ। इसकी विजय के उपलक्ष्य में ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की दुकानों के पीछे बनी हुई है ईसर लाट, इसे सरगासुली भी बोलते हैं। सरगासुली को अर्थ होता है स्वर्ग को छूने वाले, यानी ये ऐसी लगती है जैसे भगवान से बात कर रही हो, तब इसे सरगासुली भी कहा जाता है। मराठा था, मराठा यहां तक पहुंच गया था, इसका सेनापति ने इसके साथ विश्वासघात किया और ईश्वर सिंह ने इस लाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आनन फानन में जल्दबाजी में ईश्वर सिंह का यही दाग संस्कार हुआ। दाग संस्कार की एक सेपरेट जगह होती है प्रत्येक की, जयपुर के सभी राजाओं का दाग संस्कार गेटोर में होता था। ईश्वर सिंह को छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छत्रियां गेटोर में है, कछवाओं की गेटोर में होगी, मेवाड़ के महाराणाओं का दाग संस्कार आहड़ में होता था, जिसे महासतियों का टिल्ला बोलते हैं। राठौड़ जोधपुर के राठौड़ों का कागा की छत्रियां है, बीकानेर वालों की देवकुंड की छत्रियां है, और जैसलमेर के राजाओं की छत्रियां है बड़ाबाग जैसलमेर के। इसके बाद में बाकी का तो उल्लेख नहीं आता। कोटा की है सारबाग की छत्रियां, ये लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, यानी हमने कितने पढ़ लिए, अब दो तीन एक और बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं आज तक पूछिए। स्वाई जी ईश्वर सिंह, माधो सिंह, इसके बाद में है प्रताप सिंह, जगत सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, ये माधो सिंह सेकंड है, और लास्ट है मान सिंह सेकंड है। प्रताप सिंह इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रताप सिंह की एक उपाधि है ब्रज नीति, ध्यान रहे ब्रजराज, ब्रज का राजा, ब्रज के राजा थे जाट, ये जाट शासक बदन सिंह की उपाधि है ब्रजराज, जबकि ब्रज नीति उपाधि प्रताप सिंह जी की है। इनके समय तमाशा लोकनाट्य भी प्रारंभ हुआ था। इनकी सबसे अच्छी करती वो ये है, ये क्या है सर, ये हवा महल है, पांच मंजिला है, नाम याद करो तो कर लेना, शरद रतन विचित्र हवा प्रकाश, शरद रतन विचित्र और प्रकाश और हवा, लास्ट है हवा मचिन, 953 खिड़कियां 152 झरोके इसके अंदर। इसका शिल्पी था लालचंद। हवा महल की नींव नहीं है, गागरोन दुर्ग के भी नींव नहीं है, इसके भी नींव नहीं है, जैसलमेर दुर्ग में चुनने का प्रयोग नहीं हुआ है, और चोमू का दुर्ग भूमिगत दुर्ग है, ये थोड़े से अटपटे से, थोड़ा ध्यान रख लेना। इन्होंने, इनको 22 संख्या बहुत पसंद थी, 22 ही विद्वान थे, 22 ही कवि थे इनके दरबार में, जिन्हें बोलते हैं गंधर्व 22, ये थोड़ा ध्यान रखना। गंधर्व जैसे नवरत्न थे ना, वैसे गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार में थे, और इनके संगीत गुरु चांद खां थे। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम राजा कहा जाता है, रसकपुर की वेश्या के कारण बताते हैं, ऐसा कोई किस्सा आता है इनका, फुर्सत में बताने वाले किस्से हैं, तो जगत सिंह को बदनाम राजा भी कहा जाता है जयपुर का। और जगत सिंह के समय एक छोटा सा युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध 1807, गिंगोली पड़ता है पर्वतसर नागौर के अंदर, लंबी कहानी है, थोड़ा सा बस इतना ही याद रख लेना, मारवाड़ के मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ था। राम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, राम सिंह सेकंड, स्कूल कॉलेज घर बांध बाग होल
सिनेमा हॉल और कलर, ये सब राम सिंह के। दो तीन बार बोलोगे ना, स्कूल, कॉलेज, घर, बांध, बाग, हॉल, होम, सिनेमा हॉल, कलर, सब राम सिंह ने करवाए थे। स्कूल कौन सी स्कूल? मेयो कॉलेज, नाम कॉलेज है, स्कूल ही है वो। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह के समय हुई। महाराजा कॉलेज राम सिंह। चिड़ियाघर जयपुर में पहला खुला था राजस्थान का, राम सिंह। बांध अपने ही नाम पर है, रामगढ़ बांध। बाग अपने ही नाम पर है, राम बाग और रामन्यास बाग। हॉल, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। सिनेमा और राजस्थान का पहला या भारत का, उत्तरी भारत का पहला फारसी थिएटर इन्हीं के समय खुला था। और कलर का मतलब जयपुर को उन्होंने गेरुआ या गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है, अगला कौन सा है? माधो सिंह। सेकंड, दो और नौ, इन्होंने नाहरगढ़ में अपनी पासवान रानियों के लिए नौ महल बनवाए थे माधो सिंह ने। और क्या है, ये इंग्लैंड जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में। उस समय एक हमारी रिवाज होती थी कि कोई अगर विदेश का पानी पी ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब बताते हैं ये विदेश गए थे, वहां चांदी के दो पात्र बनवाए, एक ओलंपिया नामक जहाज बुक करवाया था, उसे गंगाजल से धोया, इसमें गंगाजल भरकर ले गए थे। और यानी ये जो चांदी के पात्र है जो वर्तमान है सिटी पैलेस है और गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है। लास्ट शासक मानसिंह जो आजादी के समय थे, इनकी ये पोलो के खिलाड़ी थे और इनकी मृत्यु भी पोलो खेलते समय, इनकी पत्नी थी गायत्री देवी। पीछे पुलिस में प्रश्न आया था कि भारत की अंतिम राजमाता, तो वैसे अगर बात करें तो इनको किताबें लिख देती है भारत की अंतिम राजमाता, लेकिन अभी पिछले महीने अभी हुई थी मृत्यु। जोधपुर का अंतिम शासक था हनुमंत सिंह, उनकी पत्नी अभी कृष्णा कुमारी का निधन हुआ था, तो एक हिसाब से तो भारत की अंतिम राजमाता ये हो गई, क्योंकि हनुमंत सिंह जी पत्नी थी जो लास्ट राजा थे हनुमंत सिंह। बाकी किताबें इसको लिखती हूँ किस हिसाब से पता नहीं। तो गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला है जो लोकसभा में गई थी, ये हीरोइन भी थी और कुछ बिहार की राजकुमारी भी थी गायत्री देवी। ठीक है, ये लो, जयपुर की हिस्ट्री इज कंप्लीट। दोबारा रीडिंग मारते हैं 5 मिनट। कौन कौन से शासक लिखे मैंने? सबसे पहले लिखा तेजकरण, इंपॉर्टेंट। तेजकरण के बाद में लिखा था कोकिल देव, भारमल, भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह छोड़ो, इसके बाद में जगत सिंह, प्रताप सिंह पहले लिख दिया कोई बात नहीं, फिर राम सिंह, प्रताप सिंह पहले, फिर माधो सिंह और फिर मान सिंह। ये लो, तेजकरण संस्थापक है, कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई, प्रथम वैवाहिक अधीनता और मनसबदारी भारमल, भगवान दास चित्तौड़ के तीसरे अभियान और महाराणा प्रताप को तीसरे अभियान है समझाने के रूप में, मान सिंह जी की कई बातें बता दी, मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी और पुरंदर, स्वाई जय सिंह 1708 1727 1734, जगत सिंह जयपुर बदनाम हो गए, राम सिंह स्कूल कॉलेज घर बांध बाग और होम होम सिनेमा हॉल, और माधो सिंह जयपुर। हिस्ट्री इज कंप्लीट। वैसे कंप्लीट नहीं होती, 7 घंटे लगते हैं, अभी कितने लगे हैं? ये तो फास्टली रीडिंग मरवा रहे हैं आपको, काम आ जाए, क्या पता कहाँ कोई ब्रह्मास्त्र लग जाए, लगभग आपको प्रश्न इन्हीं से मिल जाएंगे। अब कौन सा उठाएं? चौहान तो वैसे डाले हुए हैं तो मैं एक बार नहीं उठाता हूँ इनको, फिर राठौड़ उठा लेते हैं। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी, उत्पत्ति कैसे हुई क्या हुई वो हम नहीं देखेंगे यहाँ। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी, एक बीकानेर के राठौड़ थे, एक किशनगढ़ के थे और एक मैन जो थे वो जोधपुर के थे। सबसे पहले राव सिंहा, राव सिंहा, उसके बाद दूहड़, फिर चूड़ा, चूड़ा का पुत्र है रणमल, काना भी है, रणमल के बाद में है जोधा, जोधा के बाद में है सातल देव। पहले तो इतनों का देखते हैं। अभी राव सिंहा कहाँ आए क्या आए इनका उल्लेख एक बार नहीं करेंगे, सीधे सीधे है राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा।
दुहड़, दुहड़ कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लाया था जिसे बोलते हैं चक्रेश्वरी माता, और दूसरा नाम है नागणेची माता। और वहां से लाके नागणेची माता की मूर्ति नगाना में लगाई। नगाना पड़ता है बाड़मेर। ध्यान रखना, एक नारायणी माता अलग है, नागणेची माता अलग है, नारायणी माता अलग है। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है, जिनका मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर में है। और नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है, जिनका मंदिर दुहड़ ने बनवाया था, यानी कर्नाटक से दुहड़ मूर्ति लेके आया था। तो दुहड़ की इतनी बात है। मंडोर जो है वो पहले गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था, प्रतिहार शासक था इंदा, इसके अंडर में था, और तुर्कों ने अधिकार कर लिया। चूड़ा ने सहायता की, कैसे की क्या की, वो लंबी कहानी है, लेकिन सीधा बता देता हूं। चूड़ा ने सहायता की प्रतिहार शासक इंद्रजीत की, और प्रतिहार शासक खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया, और मंडोर इन्हें दहेज में दे दिया, और राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी हो गई मंडोर। यानी राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, मंडोर थी। इसके बाद में रणमल, इनकी स्टोरी मेवाड़ में आती है। मेवाड़ में कुंभा ने भरमली के सहयोग से मरवा दिया था रणमल को। इसके बाद में जोधा है। अब देखो, राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ा, यानी राव चूड़ा। अब एक चीज और देखो, सामंत प्रथा मतलब नौकर चाकर रखना, यानी मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की, चूड़ा ने, जबकि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जोधा को। जबकि इतिहासकार ये कहते हैं जोधा ही मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक है। तो इसके बाद में जोधा ने क्या किया, कुंभा के समकालीन है, आवड़ा बावड़ा की संधि हुई, वो कुंभा के समय देखेंगे। अब जोधा ने सोचा कि भी मंडोर तो सुरक्षित ने कोई बढ़िया दुर्ग बनाई, तो एक बाबा रहता था चिड़ियानाथ, जोधा यहां आया और बाबा जी से कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो, कोई दूसरी जगह मैं आपको दे दूंगा और यहां मैं दुर्ग बनाऊंगा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। अब जिद्दबाद के अंदर बाबा बोला ठीक है, तू दुर्ग तो बना ले कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही नीम रखेगा यहां का पानी सूख जाएगा। तब जोधा की टेंशन शुरू हो गई। तब किसी ने राय दी कि आप इस दुर्ग की नींव करणी माता से रखवाओ। तो करणी माता का नाम उस समय बचपन का नाम रिद्धिबाई था। तो बाद में दुर्ग बना 1459, और करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और यहाँ राजाराम वामी को, क्योंकि पहले एक परंपरा मानी जाती थी राजपूतों में कि अगर किसी जिंदा आदमी को अगर गाड़ दिया जाए तो उस वंश का राज उस पर हमेशा रहेगा। ऐसे नहीं है, जिंदा आदमी वो तैयार होना चाहिए। तब राजाराम वामी तैयार हुआ था, उसके परिवार को विशेष सुविधा दी गई, जमीनें दी गई। जोधपुर दुर्ग में सिर्फ और सिर्फ राजाराम भामी के परिवार की एंट्री थी, बाकी कोई एंट्री नहीं कर सकता था। तो ये इसी दुर्ग में पीछे वाली साइड में दो मंदिर बने हुए हैं, एक चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागणेची माता का मंदिर है। और चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ भी मची थी 2008 में, जिसकी जाँच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। इसके बाद में जो शासक है सातलदेव, सातलदेव की एक ही बात है, इनके समय अजमेर का था मल्लू खां, उसका सूबेदार था गुड़ला। यह गुड़ला पिंपाड़ से 140 कन्याओं को उठा के ले गया था, सातलदेव इन्हें वापस छुड़वा के लाया था, और उसी दिन से एक नया नृत्य शुरू हो गया था, गुड़ला नृत्य। चेत कृष्ण अष्टमी को प्रारंभ होता है ये गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य गुड़ला की पुत्री गिंदोली ने प्रारंभ किया था। तो सातलदेव की और कोई बात नहीं है, आगे शासक मिटा देता हूं। आगे शासक राव गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। टेंशन नहीं, मत आना, हम तो रोज बढ़ाते हैं, नॉर्मल बातें होंगी। आधी रात को पूछे तो ही बोल देते हैं ये। अब तो कोई ये बोल देने, मोटा राजा के बाद शुरू करो, कर देंगे। हाँ, आप टेंशन नहीं, मत आना, इन्हें आपके लिए जरूरी नहीं है, मैन चीजें जरूरी है आपके लिए। राव गंगा ने गंगलाव तालाब बनवाया था, और
खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को भेजा था 4000 सेना देकर। अब इंपॉर्टेंट शासक है मालदेव। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या करके सोजत आ गया था और मालदेव का राज्याभिषेक भी सोजत में हुआ था। तो मालदेव मारवाड़ का या राठौड़ों का पितृहंता कहलाता है, चौहानों का पितृहंता जगदेव है और सिसोदियों का पितृहंता उदा है जिसने कुंभा की हत्या कर दी थी। मालदेव, मालदेव के उपनाम बहुत है, हसमत वाला राजा, ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। हिंदू बादशाह, ध्यान रखना, प्रबल हिंदू राजा अमीर को बोलते हैं, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं, हिंदू पथ सांगा को बोलते हैं, हिंदू सुल्तान कुंभा को बोलते हैं और हिंदू बादशाह मालदेव को बोलते हैं। अब दोबारा करके लिख लेना इनको, हिंदू बादशाह बोलते हैं मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता मालदेव ने सबसे पहले 1532 में बद्राजून पर अधिकार किया था, फिर 1533 के लमसम इसने नागौर के दौलत खां को हराया, फिर मेड़ता के बिरमदेव को हराया। बिरमदेव के साथ दरिया जो साथी को लेकर विवाद हुआ था, लंबी कहानी है, यहां से प्रश्न पुटअप नहीं होते। इसके बाद में अपने परिवार वालों पर आक्रमण कर दिया था, किसके ऊपर, बीकानेर, बीकानेर का शासक था जेत सिंह, जेत सिंह मारा गया और कल्याणमल चला गया था इसका पुत्र शेर शाह की सर में। कौन सा युद्ध हुआ था सर, 1542 में पाहेबा साहिबा। इसके बाद में मालदेव का विवाह हुआ था, लूणकरण की पुत्री थी उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो आपकी दृष्टि से इतना याद रखना है, रूठी रानी का वास्तव कैसे, रूठी क्या रूठी, लंबी कहानियां हैं, कहानियों के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। तो रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे, रूठी रानी का वास्तविक नाम था उमादे। इधर देश में सत्ता पलटती है, शेरशाह से हार गया था कौन, हुमायूं, चौसा और बिलग्राम युद्धों में। हुमायूं सहायता के लिए आया था मालदेव में और मिलन जोगी तीर्थ नामक स्थान पे मिले थे, फिर हुमायूं इधर चला गया था। इस बात पे शेरशाह नाराज हुआ और शेरशाह मैदान में आ गया था कौन सा, इधर गिरी, गिरी में लाके सेना डाल दी थी मालदेव ने और सुमेल में सेना डाल दी थी शेरशाह ने। ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। मारवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा युद्ध यही है। मारवाड़ में वैसे दो ही युद्ध हुए हैं, एक गिंगोली का युद्ध है और एक ये युद्ध है, जो बड़े युद्ध है, बड़ा यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। लगभग एग्जाम में इसके बारे में पूछा ही पूछा जाता है। एक मिनट, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। और इसमें मालदेव के वीर सेनापति थे जेता और कुंपा, ये मारे गए थे। मालदेव वापस आ गया था, वापस आने के बाद मालदेव चला गया था भद्राजोन। बहुत लंबी कहानी है इसकी, लेकिन शॉर्ट में याद रखना है। इस युद्ध में शेरशाह हारते हारते जीता था, तब उसने कहा था कि एक मुस्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और जोधपुर सौंप दिया था शेरशाह ने खवास खां को, खवास खां वह ईसा खां को। और शेरशाह चला गया था इधर इधर इधर, लास्ट में चला गया था कालिंजरा, वहां उक्का नामक अस्त्र चलाते समय मारा गया और मालदेव ने दोबारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह का अधिकार जोधपुर मात्र 1.5 साल रहा था, 524 दिन। मालदेव ने मुख्य पुत्र मालदेव का राम था, राम सिंह जिसे बोलते हैं, मालदेव का पुत्र राम, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को शासक बना के चला गया था मालदेव। चंद्रसेन एक इंपोर्टेंट शासक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मुगलों का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चंद्रसेन के समय राम चला गया था अकबर के दरबार में, अकबर ने सेना भेजी हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में और चंद्रसेन आ गया था कहां, इधर वाली साइड में, यानी सिवाना, सॉरी पीछे क्या बता दिया, मालदेव गया था सिवाना और चंद्रसेन आ गया था भद्राजोन। मालदेव गया था सिवाना, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थिति।
तो चंद्रसेन आ गया था बद्राजुन। अब अकबर आया था जियारत के लिए, और उसके बाद में अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार, नवंबर 1570। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है नागौर दरबार, कब लगा था। अब इस दरबार में बीकानेर से कल्याणमल आया था, जेत सिंह का पुत्र, जैसलमेर से हरराय भाटी आया था, और वो इधर से सुरजन हाड़ा आया था, कोटा से, बूंदी से सुरजन हाड़ा, और मारवाड़ से राम उदय सिंह, और फिर चला गया था चंद्रसेन। ये ध्यान रखना कौन कौन आए थे। आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हरराय भाटी और मारवाड़ से। चंद्रसेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, चंद्रसेन यहां से भागकर वापस चले गए थे भद्राचों। बीकानेर का था राय सिंह। 1572 से 74 तक अकबर ने जोधपुर का प्रशासन राय सिंह को सौंपा था। अब चंद्रसेन के उपनाम है, पहला क्योंकि नागौर दरबार 1570 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 72 में हुआ, तो इससे पहले ही चंद्रसेन ने विरोध कर दिया था, इसलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। रेऊ नामक इतिहासकार ने कहा है कि ये मारवाड़ के प्रताप हैं। उसने तुलना की है प्रताप की चंद्रसेन की, तुलना यह की है कि प्रताप को भी भाइयों का विरोध सहना पड़ा था, और इधर चंद्रसेन को भी प्रताप का, चंद्रसेन को भी भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के भी जंगलों में भटके थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई थी, वैसी ही हालत बताते हैं चंद्रसेन की हुई थी। चंद्रसेन को जैसलमेर दुर्ग, सॉरी पोकरण दुर्ग, हर्राय बाटी को 12,500 रुपये में किराए दिया था, 1,00,000 फदिया के, और अपने गहने वगैरह भी चंद्रसेन को बेचने पड़े थे। इसके बाद में चंद्रसेन सिवाना आए, फिर यहाँ एक स्थान है संचियाप, संचियाम में चंद्रसेन की मृत्यु, चंद्रसेन की छतरी भी यहीं पड़ती है सारण की पहाड़ी पाली में। इसके बाद में शासक बना है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि अकबर ने ही दी थी क्योंकि अकबर के समकालीन है। बात इतनी सी है, मोटा राजा का एक पुत्र था किशन सिंह, जिसने 1609 में किशनगढ़ बसा दिया, राठौड़ों की एक नई रियासत। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध किए। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया जगत गोसाई या जोधाबाई का, और उनका जो पुत्र हुआ था इतिहास से आगे, उसका नाम था खुर्रम या शाहजहां। आगे देखते हैं फिर सूरसिंह, गज सिंह। सूरसिंह की कोई बात नहीं, इसे स्वाई राजा की उपाधि है। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी, दल पंगुल उपाधि पृथ्वीराज चौहान की है, और दल थम्बन जो उपाधि है वो है गज सिंह की। इसके बाद में जसवंत सिंह, अंतिम स्वतंत्र प्रवर्ती के शासक माने जाते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां के चार पुत्र लड़ रहे थे, लास्ट में जो दो थे दारा और औरंगजेब, इनके बीच में दो युद्ध हुए थे, एक तो दरमत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध 1658 और 1659। जसवंत सिंह जो थे वो शाहजहां की तरफ से लड़े थे, दारा की तरफ से लड़े थे, दरमत के युद्ध, इस युद्ध में घायल होते हो गए थे, इन्हें बाहर निकाला। जब जोधपुर वापस आए तो बताते हैं इनकी पत्नी थी हाड़ी रानी करमेती, उसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। जसवंत सिंह के मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र बोलते हैं धर्म विरोधी, कोई कुफ्र काम नहीं करना चाहिए, यानी धर्म के विरोध काम नहीं, कोई आज कुफ्र का दरवाजा। कुफ्र से संबंधित दो डायलॉग है, एक डायलॉग तो रणथंबोर दुर्ग अलाउद्दीन की विजय के बाद में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और एक ये है जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के दरबार में दो व्यक्ति थे, मुहनोत नैन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़, मुणोत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात लिखी और मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखी। मारवाड़ रे परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर बोलते हैं, मारवाड़। मुणोत नैनसीरी ख्यात को विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है। ये ख्यात लिखने का काम चारण और भट्टों का था, ये एकमात्र ऐसी ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी। मुणोत नैनसीरी जो ख्यात है उस ख्यात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है। नैनसी ने इस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जबकि नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है।
इसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या का भी वर्णन है, इसलिए नैंसी को राजस्थान जनगणना का अग्रज माना जाता है। दुर्गादास राठौड़ ये आसकरण के पुत्र थे और इनके दरबार में थे, बाद में अजीत सिंह के संरक्षक बने थे। अजीत सिंह को नूरगढ़ के महल से गोरा धाई के सहयोग से बचा के लाए थे। गोरा धाई को मारवाड़ की पन्ना धाई कहा जाता है और दुर्गादास को रणबिंद्या मोती कहते हैं और चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहते हैं। द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ तो चंद्रसेन, भूला बिसरा यानी इतिहासकार भूल गए, इतिहासकारों ने चंद्रसेन को महत्व नहीं दिया, जो महत्व महाराणा प्रताप को दिया वो चंद्रसेन को नहीं दिया, भूल गई। और इन्हें बोलते हैं अणबिंद्या मोती, यानी इतिहासकारों ने इसे इतिहास में कभी पिरोया ही नहीं। दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है और राणा हमीर को भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, ये जसवंत सिंह सेकंड है, इंपॉर्टेंट शासक इतने। अभय सिंह के समय एक ही घटना हुई थी, खेजड़ली की घटना 1730 में, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने बता रखा है। विजय सिंह की पासवान रानी थी गुलाब राय, वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने इन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा है। मानसिंह एक सन्यासी राजा थे, इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय को मानते थे। अंग्रेजों की इनके साथ कम बनती थी क्योंकि अंग्रेजों ने नाथों को परेशान किया था, ये दुखी हो गए थे इस बात से। तो मानसिंह के समय वो गिंगोली का युद्ध है वो इन्हीं के समय हुआ था और बाद में इन्होंने EIC से संधि कर ली। इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मानसिंह जी ने जोधपुर में महामंदिर बनवाया जो नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। जसवंत सिंह जी के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे, दयानंद सरस्वती जी का जिक्र बाद में करेंगे, कैसे क्या घटना हुई। यहां नन्नी जान वेश्या ने बताती इनको जहर दे दिया था और इनसे इसके कारण इनकी तबीयत खराब हुई और अजमेर में इनका निर्माण हुआ था। तो यह माना जाता है, कई बार पूछ लेते हैं जसवंत सिंह स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण या मृत्यु कहाँ हुई, तो ध्यान रहे जोधपुर में जहर दिया था जबकि इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी क्योंकि राजस्थान में आर्य समाज का प्रमुख केंद्र अजमेर था। ये थे जोधपुर मारवाड़, कितना याद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, चौथी बार पढ़ना, एक बार फिर प्रूफ रीडिंग मारते हैं। सबसे पहले थे बोलो राव सिया, इसके बाद में दुहड़, इसके बाद में चूड़ा राव चूड़ा, इसके बाद में रणमल, इसके बाद में जोदा, इसके बाद में सातलदेव, फिर गंगा, फिर मालदेव, फिर चंद्रसेन, और चंद्रसेन के बाद में हो गए मोटा राजा उदय सिंह, फिर सूर सिंह, फिर गज सिंह, इसके बाद में गज सिंह के बाद में जसवंत सिंह, इसके बाद में अजीत सिंह, फिर अभय सिंह मानसिंह वगैरह। राठौड़ राजवंश का संस्थापक, नागणेची माता की मूर्ति राठौड़ों की कुलदेवी, राव चूड़ा मारवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की इन्होंने और राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक चूड़ा। रणमल जोधपुर में इनकी मृत्यु, सॉरी कुंभा के समय बारमली के सहयोग से इनकी मृत्यु हुई। जोधा ने जोधपुर बसाया, मंडोर से राजधानी जोधपुर और राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा। सातलदेव के समय गुड़ला की घटना, राव गंगा ने अपने पुत्र को भेजा मालदेव को। चंद्रसेन के समय अकबर का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति है, भूला बिसरा राजा है, मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का पहला शासक जिसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। और चंद्रसेन नागौर दरबार में गए, वहां से भागकर भद्राजोन आ गए थे, फिर सिवाना गए, फिर सोजत गए, फिर संचियाप गए, कई स्थानों पर घूमे थे, राज्य से बाहर भी गए थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में गए थे, सिरोही साइड में भी गए थे और प्रताप से भी मिले थे। इसके बाद में है उदय सिंह, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले। देखो सारों का देखते हैं,
भाटियों का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हर राय भाटी जो नागौर दरबार में आए थे। बीकानेर के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल जो नागौर दरबार में आए थे। मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह 1615 के अंदर। इसके बाद में फिर कौन बचे? यहाँ हो गया पूरा। अब देखो बाटी, चलो बाटी नहीं, बीकानेर वाले बता देता हूं। थोड़े से नाम है बीकानेर वालों के, बीका, बीका के बाद लूणकरण, लूणकरण के बाद में जेत सिंह, जेत सिंह के बाद में कल्याणमल, कल्याणमल के बाद में राय सिंह, राय सिंह के बाद में है करण सिंह, करण सिंह के बाद में है अनूप सिंह, और अनूप सिंह के बाद में है सूरत सिंह, फिर है सरदार सिंह, फिर है गंगा सिंह। जोधा के पुत्र थे, किसी कारणवश वो स्टोरी लंबी है। ये आ गए थे कोडमदेसर 1465 में और अपनी प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाया। फिर करणी माता के आशीर्वाद से आखातीज के दिन 1488 में बीकानेर की स्थापना की, राती घाटी नामक स्थान के ऊपर। और कोडमदेसर में इन्होंने भैरू का मंदिर बनाया था। लूणकरण, लूणकरण सर झील बनवाई थी इन्होंने। जेत सिंह वही है जिस पर मालदेव ने आक्रमण किया था और इनके पुत्र ये वही मारे गए थे, जेत सिंह। और जेत सिंह, अब दो चीजें ध्यान रखनी है अपनों को, देखो इन्होंने ही भेजा था खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए। राव जेत सिंह ने चंद बिट्टू सुजा ने लिखा था, वो अलग चीज है। चलो दो चीजें हैं, एक तो है कलयुग का कर्ण और एक है राजपुताने का कर्ण। एक कलयुग का कर्ण है, एक राजपुताने का कर्ण है। देखो कैसे याद रखो, इनमें से एक तो है लूणकरण और एक है राय सिंह। करण करण ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में करण आ रहा है। देखो राय सिंह रा से राजपुताना, राय सिंह राजपुताने के करण है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और कलयुग का करण बिट्टू सुजारी पुस्तक जो है ना उसमें जराव जेत सिंह छंद में कलयुग का कर्ण लूणकरण है। वैसे पकड़ लेना बस, राय सिंह राजपुताने का, रा से रा, और ये हो गए करण करण, कलयुग का कर्ण। कल्याणमल नागौर दरबार में गए थे, कल्याणमल, राय सिंह। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ थे जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखा था डिंगल भाषा में, उनका विवरण स्पेशल पढ़ेंगे, गागरन दुर्ग में लिखा था इन्होंने। राय सिंह, राय सिंह जी जो थे इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया, कब सर 1589 से 94 के बीच, करमचंद की देखरेख में, या राय प्रशस्ति भी लिखवाई थी इन्होंने। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है और मानसिंह के बाद में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो थे वो यही थे। इन्हें ही जोधपुर दुर्ग सौंपा था 1572 से 74 के बीच। करण सिंह, करण सिंह की अगर बात करें तो इन्हें जांगलदर बादशाह बोलते हैं और इनके समय मतीरे की राड हुई थी अमर सिंह राठौड़ के साथ। अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल था। सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किया था। सरदार सिंह 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। और गंगा सिंह, गंगा सिंह जी की कई बातें हैं, गंग नहर लाए थे, राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं, तीनों गोलमेजों में जाने वाले आदमी यही थे। हमारे यहाँ छपनिया काल इन्हीं के समय पड़ा था। वर्षाई की संधि में एकमात्र व्यक्ति जिनके हस्ताक्षर है महाराजा गंगा सिंह। अब थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन एक बार ये देखते हैं, इसके बाद और देख, चलो अब छोटा सा एक राजवंश है बाटी राजवंश। बाटी राजवंश प्रारंभ में बताते पंजाब साइड में थे, इसके बाद में इधर वाड़ी साइड में आ गए। और बाटी राजवंश का जो संस्थापक था वो बट्टी था, बताते हैं लगभग 285 ईस्वी के लमसम। और इनका जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है बटनेर दुर्ग। ये भूपत बाटी ने बनवाया था लगभग 288 ईस्वी। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है ये बटनेर दुर्ग, सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। विदेशी आक्रमणकारी इस साइड से आएगा तो सबसे पहले यही सीध में आएगा। ये मानते हैं
कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो भटनेर दुर्ग है। यहां पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। उसने अपनी पुस्तक तुजू के तैमूरी में लिखा है कि इतना मजबूत दुर्ग मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है भटनेर दुर्ग जिसमें हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया था। और यहां शेर खां की कब्र भी है। यह बाटियों की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती। इसके बाद में है आक्रमण हुआ था यहां और बाटी इस साइड में आ गए थे, कहां? तनोट में। और अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी मंगलराव के समय बाटियों ने दूसरी राजधानी तनोट को बना लिया था। और तनोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तनोट माता के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानी सारे जानते हो, युद्ध के समय माता के या बम डाले गए, वो छुटे नहीं थे बम, इस हिसाब की कहानी है। तो बस इतना ध्यान रखना, तनोट माता एक तो सैनिकों की कुल देवी है और एक इसे रुमाल वाली देवी बोलते हैं। तनोट के बाद में बाटी आ गए थे लोदरवा, और बाटियों ने अपनी तीसरी राजधानी जो बनाई थी वो लोदरवा को बनाई थी। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा की राजकुमारी थी मुम्मल, और जिसका प्रेम संबंध बताया जाता है अमरकोट के महेंद्र के साथ। अमरकोट में पाबूजी का ससुराल था, वहां सोडा राजपूत थे, आज भी वहां सोडा राजपूतों का राज चलता है। तो अपने पाकिस्तान में चला गया वर्तमान में वो स्थान। तो महेंद्र के साथ प्रेम संबंध की वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उससे प्रश्न पुटअप नहीं होते, वो कहानी है जो बताने के लिए बस क्लास में। लोदरवा के बाद में बाटियों ने चौथी राजधानी और अंतिम राजधानी बनाई जैसलमेर। और जैसलमेर में सबसे कब बसा? 1155। दो चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, एक तो है त्रिकुट पहाड़ी और एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर तो जैसलमेर दुर्ग है और त्रिकुट पर्वत के ऊपर केला माता का मंदिर है करौली। कैसे केला, कैसे करौली, कैसे कालीसील? केला माता का मंदिर करौली में है और करौली ये कालीसील, कालीसिंध नहीं है, कालीसील है। कालीसील जहां पे लंगूरिया गीत गाया जाता है मीणा जाति द्वारा, लंगूरिया नृत्य गीत एक ही बात है। जैसलमेर दुर्ग की जो बातें हैं वो अधूरी सी है। जैसे यहाँ 99 बुर्जे 100 पूरे नहीं हुए, यहाँ 250 साके है, एक साका अधूरा रह गया था। जैसलमेर दुर्ग के 250 साके है, 250 साके यानी अधूरा रह गया था साका। साका जोहर वगैरह क्या है ये तो लंबी चौड़ी कहानियां हैं, कभी फिर करेंगे। थोड़ा सा 250 साका ध्यान रखना, 250 साका कहाँ का प्रसिद्ध है जैसलमेर। पहला साका बताते हैं मूलराज के समय हुआ था, अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था। दो डेटे आती है 1292 और 98, लेकिन राजस्थान का पहला साका 1301 में हुआ था, इसलिए ये प्रमाणित नहीं माना जाता। दूसरा जो साका हुआ था वो दुद्दा के समय हुआ था, बताते हैं फिरोज शाह का आक्रमण हुआ था। और तीसरा हुआ था 1550 में लूणकर्ण, लूणकर्ण रूठी रानी उमादे का पिता। लूणकर्ण के समय हुआ था, गंधार की अमरेली का आक्रमण हुआ। पुरुष तो मारे गए थे लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई थी, जो अधूरा रह गया था। ये अधूरा साका है 250 साका। बाकी सर्वाधिक साके है जैसलमेर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं 3। ये थोड़ी सी बातें थी नॉर्मल सी भाटी राजवंश की। 4-5 शासक है जाट शासक, उनका भी देख लेते हैं। फास्टली रीडिंग मार रहे हैं ये जाट राजवंश। जाट राजवंश का उदय औरंगजेब के समय हुआ था। राजवंश की जिक्र कर रहे हैं। औरंगजेब के समय, औरंगजेब के विरुद्ध गोकुला मथुरा का एक जाट था गोकुला। गोकुला ने अपने कुछ व्यक्तियों को लेकर औरंगजेब के विरुद्ध खड़ा किया था। तो गोकुला जाटों का प्रारंभिक नेता है। ये जाट राजवंश का संस्थापक नहीं है, जाटों का एक तरीके का नेता है। इसने अब्दुल नमी की हत्या कर दी थी जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, और औरंगजेब ने गोकुला को मरवा दिया। इसके बाद में नेतृत्वकर्ता बन गया राजा राम। जाटों का दूसरा नेता है राजा राम। राजा राम के बारे में आता है कि राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। इसके बाद में जाट साम्राज्य जो माना जाता है वो माना जाता है चूड़ामन से। जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन है, जबकि जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बदन सिंह। बदन सिंह को स्वाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी,
और डींग की जागीर दी थी। डींग के जल महल बदन सिंह ने बनवाए थे, जो प्रसिद्ध जल महल है डींग के जल महल। डींग वैसे जल महल जयपुर के अंदर ही है, लेकिन जो प्रसिद्ध जल महल है वो यहीं की है। ब्रजराज की उपाधि और जाट साम्राज्य का जाटों का प्रारंभिक नेता गोकुला, फिर राजाराम, जबकि जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन है और जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना है। इसके बाद में जाटों का शक्तिशाली जो शासक है सूरजमल को माना जाता है, और सूरजमल जी ने ही एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम है लोहागढ़। कद बनाया गुरुजी 1733। यह मजबूत दुर्ग माना जाता है, अजय दुर्ग माना जाता है कि इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग में दो चीजें, एक तो जवार बुर्ज है और एक फतेह बुर्ज है। जवार बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, किसने दिल्ली विजय की बाद में करेंगे, और एक फतेह बुर्ज है ये अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में है। इसके बाद में सूरजमल जी का पुत्र था जमहर सिंह। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली गए थे और वहां से दो चीजें उठा के लाए, एक तो अष्ट धातु का दरवाजा। ऐसा उल्लेख आता है कि अष्ट धातु का दरवाजा चित्तौड़ दुर्ग में था जिसे अलाउद्दीन ले गया था, और यह अष्ट धातु मतलब आठ धातुएं, सोना चांदी पीतल वगैरह, वो होती अष्ट धातु। तो नहीं याद रहे को अष्ट धातु उठाने के लिए जोर चाहिए, जोर जमार सिंह में था, यानी अष्ट धातु का दरवाजा कौन उखाड़ के लाए थे, जमार सिंह। ये यहां से एक काले संगमरमर के पत्थर का बेड लाए थे जो वर्तमान में डींग के जल महलों के अंदर रखा हुआ है। इसके बाद में शासक है रणजीत सिंह। इनके समय भरतपुर दुर्ग के अंदर मल्हार राव होलकर ने शरण ली, मराठा मल्हार राव होलकर, कब 1803, और अंग्रेज लेख था जिसने गोलीबारी की बम बरसाई लेकिन दुर्ग को जीत नहीं पाए। उसके बाद में इसका नाम हो गया था लोहागढ़, यानी अंग्रेजों को मात देने वाले राजस्थान के एक ही व्यक्ति है रणजीत सिंह। तो ये थोड़ी सी बातें नॉर्मल थी। गोकुला नाम याद रखना है, राजाराम है, उसके बाद में चूड़ामन है जाट साम्राज्य, फिर बदन सिंह वास्तविक संस्थापक है, फिर सूरजमल जी जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था, इसमें दो तीन चीजें हैं। इसके बाद जवाहर सिंह जी जो अष्ट धातु दरवाजा, और रणजीत सिंह जी ने अंग्रेजों को मात दी थी। क्या हो रुक तो आगे बना रहे हो, लास्ट बच्चे हैं चौहान तो डाले में, गुहिल और सिसोदिया। लंबी चौड़ी कहानियां हैं, इनको कंप्लीट करना थोड़े से देख लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वरना तो वीडियो। गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। गुहिलादित्य शिलादित्य का पुत्र था, 567-66 में याद रह जाएगा गुहिल का, गुहिलादित्य। जबकि नाम याद करना है बप्पा रावल। गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था जिसने हारित ऋषि की सेवा की थी। लंबी चौड़ी कहानियां हैं, बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर भी इन्हीं के नाम के ऊपर है। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, एकलिंग जी मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी मेवाड़ के वास्तविक राजा माने जाते हैं, बाकी इनके नौकर माने जाते हैं कि भी हमारे वास्तविक राजा एकलिंग जी, हम तो इनके नौकर हैं, हम तो इनके राणा हैं। तो मेवाड़ के वास्तविक राजा एकलिंग जी है। जयपुर के वास्तविक राजा गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण को जयपुर वाले मानते हैं, और मेवाड़ वालों के वास्तविक राजा एकलिंग जी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाई। राजधानियां बहुत चेंज होगी मेवाड़ में, देखो आगे बप्पा रावल। इसके बाद में शासक आएगा अलट। अलट के बाद में शासक आएगा जेतर सिंह। इसके बाद में राजधानी चेंज करने वाला आएगा रतन सिंह। बप्पा रावल ने नागदा को बनाया, अलट ने आहड़ को बनाया, जेतर सिंह ने चित्तौड़ को बनाया, और इसके समय भी चित्तौड़ है। तो ऐसे याद करने में कोई समस्या, बाद में और राजधानियां चेंज होगी। इसके बाद में राजधानी आएगी, फिर चित्तौड़ के बाद में आएगी कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद फिर चित्तौड़ जाएगी, फिर उदयपुर आएगी, फिर गोगुंदा आएगी। कुंभलगढ़ कुंभा के समय, चलो देखो अलहट आहड़ ए और आ, इस हिसाब से याद रख लेना कि अलहट ने आहड़ को राजधानी बनाया था।
यह पहला आदमी था जिसने हूण राजकुमारी से विवाह किया था। यह राजपूतों का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह है। जेतर सिंह, यह देखो दो ऊपर मात्रा है, यहां चित्तौड़ के ऊपर भी दो ऊपर मात्रा है, यानी जेतर सिंह ने राजधानी किसको बनाई? चित्तौड़ को। कुंभलगढ़ राजधानी बनाई थी कुंभा ने। चित्तौड़ फिर दोबारा महाराणा संग्राम सिंह के समय राजधानी वापस फिर चित्तौड़ हो गई थी। उदयपुर राजधानी उदय सिंह के समय थी। इसके बाद में गोगुंदा राजधानी हो गई थी प्रताप के समय, महाराणा प्रताप के समय कई राजधानियां हुई, गोगुंदा हुई थी, कुंभलगढ़ हुई थी, चावंड भी हुई थी, अंतिम राजधानी उनकी चावंड थी। तो प्रताप के समय तो कई राजधानियां चेंज हुई है। रतन गोहिल का गोहिलादित्य, वास्तविक बप्पा रावल, अलट ने आड़ को राजधानी बनाया। जेतर सिंह इल्तुतमिश के साथ बुताला का युद्ध, चित्तौड़ को राजधानी। रतन सिंह के बारे में सारे जानते हो, पद्मनी वाली कहानी है वो रतन सिंह के समय चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। चित्तौड़ में तीन शाखे में थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ है 1303 में, दोनों शाखे 1500 में हुए, कंटिन्यू हुए, एक विक्रमादित्य के समय, एक दोनों भाइयों के समय। तीन के बाद में 4, 5, 6, 7 और 8, यानी पहला 1303 में, दूसरा 1534-35 में, तीसरा 1567-68 में। पहला के समय शासक रतन सिंह था, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। दूसरे के समय शासक विक्रमादित्य था, अलाउद्दीन गुजरात के, आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह का हुआ था। तीसरे के समय शासक उदय सिंह था और आक्रमण अकबर का हुआ था। तीन ही में गुहिल राजवंश का अंतिम शासक था रतन सिंह। इसके बाद में आ जाती है राणा शाखा। राणा शाखाओं के शासक है हमीर, हमीर का बेटा खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, कुंभा का पुत्र था रायमल, रायमल का पुत्र संग्राम सिंह, संग्राम सिंह के बाद में शासक बना है संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद में बना है उदय सिंह, उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, इसके बाद में करण सिंह, इसके बाद में जगत सिंह, इसके बाद में राज सिंह। इतनों की जरूरत तो नहीं है याद करने, कंटिन्यू भी कोई जरूरी नहीं है याद करने की। देखो प्रसिद्ध जो है ना, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम हो गया संग्राम सिंह, ये दोनों भाई है, दोनों पुत्री है संग्राम सिंह के। संग्राम सिंह के दादाजी हो गए कुंभा, कुंभा के दादाजी हो गए लाखा, और लाखा के दादाजी हो गए राणा हमीर। मैन यही है, बीच में तो ज्यादा डिटेल नहीं है इनका, मैन यही है शासक ही इनकी। मैन मैन चीजें अगर इनकी देखें, फास्टली रिपीट मारे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास में 15 घंटे लगते हैं, नॉर्मल ऐसी मैन मैन चीजें इनकी देखते हैं। फिर भी अगर आप शॉर्ट में याद करो तो संग्राम सिंह, और अब दो ही दिन बचे हैं तो दो ही शासक याद कर लो, लगभग प्रश्न इसी में से आता है, या तो संग्राम सिंह में से आएगा या महाराणा प्रताप का, तो निश्चित ही मान लो एग्जाम के लिए। राणा हमीर, ये कौन सा वंश शुरू हो गया? सिसोदिया। राणा हमीर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक है, इसके सिर्फ उपनाम उपनाम है, मेवाड़ का उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, प्रबल हिंदू राजा, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है अमीर को। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी बोलते हैं, पीछे राजस्थान पुलिस में आया था। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में शेर के समान, यानी ये आदमी विकट परिस्थिति में भी शेर के समान रहा था। विषम घाटी पंचानन कहां कहा गया? ये कुंभा ने कहा था, कुंभा ने लिखी है, टिक्का लिखी है, जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, सॉरी विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, जबकि कुंभा ने कहा है वीर राजा, कुंभा ने अमीर को वीर राजा कहा है, विषम घाटी पंचानन कीर्ति स्तंभ में, और प्रबल हिंदू राजा कहा है टोड ने। खेता की कोई बात नहीं है, आगे लाखा है, लाखा की, लाखा का पूरा नाम है लक्ष सिंह, मेवाड़ में शॉर्ट में नाम लिया जाता है, जैसे कुंभकर्ण नाम है, संग्राम सिंह को सांगा बोलते हैं, प्रताप सिंह को प्रताप बोलते हैं,
वैसे ही लक्ष सिंह है, लक्ष सिंह का मतलब लकी सिंह। सारे किस्मत वाले जो बातें हैं वो सारी लाखा के समय हुई थी, जैसे जावर में चांदी की खान किस्मत की बात है, पिछोला झील बनवा गया कोई ऑटोमेटिक अपने आप ही, लाखा जी का पैसा ही नहीं लगा एक बंजारा बनवा गया, किस्मत वाली बात है। फिर इनका विवाह हुआ था हंसाबाई से, राव चूड़ा की पुत्री थी हंसाबाई, ये भी किस्मत वाली बात है, क्योंकि विवाह होना किसके साथ था, कुंवर चूड़ा के साथ। बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और ये मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए थे। इसके बाद में मोकल की बातें नहीं है, मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने। फिर कुंभा की बहुत सारी बातें हैं, कुंभा का भी एग्जाम में लगभग एग्जाम में प्रश्न आएगा और आपके भी आता है, कुंभा संग्राम सिंह और प्रताप सिंह। कुंभा के उपनाम बहुत है, कुंभा की जोधा के साथ एक संधि हुई थी आंवला बावला 1453। कुंभा के समय गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा के उपनाम बहुत है, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु हिंदू सुल्तान, हाल गुरु दान गुरु चाप गुरु छाप गुरु राज गुरु, ये उपनाम है। अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु दान गुरु चाप गुरु छाप गुरु। तो ऐसे भी प्रश्न आ गया निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन, जब भी आएगा ध्यान रखना वो किसी प्रसिद्ध अन्य राजा का ही है, क्योंकि कुंभे की 200-250 उपाधियां हैं। बाकी ऐसे भी पूछ लिया तात्कालिक मुस्लिम शासकों द्वारा कुंभा को दी गई उपाधि, इन तीनों को वैसे भी याद रखना पड़ेगा। देखो इधर मुस्लिम नाम आ रहा है, इधर हिंदू नाम आ रहा है, यानी मुस्लिम शासकों ने हिंदू सुल्तान कहा कि हिंदुओं में ये एक ही है। रासो बोलते हैं साहित्य को, कुंभा साहित्यकारों का आश्रय दाता था इसलिए राणो रासो। अभिनव भट्टाचार्य यानी कुंभा संगीत का ज्ञाता था, कौन सा संगीत का, वीणा बजाता था कुंभा, बताते कुंभा स्वयं वीणा वादक था। इसके बाद में कुंभा का इनके साथ भी युद्ध हुए थे, कुंभा का महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ था सारंगपुर युद्ध या मालवा युद्ध 1437। इस ये युद्ध महत्वपूर्ण, युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में जो चीज बनवाई थी वो महत्वपूर्ण है, वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ 9 मंजिली, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तो मंजिली है, 120 से 122 फीट ऊंची है, लगभग 157 इसके अंदर लगभग सीढ़ियां है। विजय स्तंभ में लगभग 90 लाख खर्चा आया था 9वीं मंजिल पर और 3री मंजिल पर, 9 बार, 9 ही 9 आंकड़े आते हैं इसमें ज्यादा। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बताते हैं 9 बार अल्लाह लिखा है अरबी भाषा के अंदर, इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है और इसकी 9वीं मंजिल एक चीज और है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसके नजदीक एक चीज और है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। ये 7 मंजिली है, ये 9 मंजिली है, ये 75 फुट है, ये 120 फुट है। ये कुंभा ने नहीं बनवाई थी, ये कुंभा ने बनवाई थी, ये बनवाई थी जैन व्यापारी जीजा। इसका प्रश्न ये ज्यादा है कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है, ये देखो एक है, एक का सा लग रहा है, एक नंबर जैन तीर्थंकर को समर्पित है। एक नंबर कौन है, आदिनाथ या ऋषभदेव। कीर्ति स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति का बखान करती है, इसका मतलब विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर है, इसे जैन कीर्ति स्तंभ कह सकते हो। ये विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अलग है, तीनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में कुंभा ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। राजस्थान में स्थापत्य का स्वर्णकाल कुंभा के समय माना जाता है। कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाए, मारवाड़ में सर्वाधिक मालदेव ने बनवाए थे। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने कहा है कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं, जबकि ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा चुका है, लेकिन आपको सिर्फ 5 ही नाम याद रखने हैं, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बहुत पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया था इसका प्रश्न, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट और बोमठ, बस ये 5 ही दुर्ग याद करने। एक और करो तो कर लेना छट्टा मचान।
सीधा सा है, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट बोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट बोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट बोमट। इनमें से ये दोनों सिरोही में है। बसंतगढ़ को कई बार बसंती भी लिख देते हैं। बैराट बोमट पड़ता है बाड़मेर में, बैराट पड़ता है भीलवाड़ा में, मचान पड़ता है सिरोही में, और कुंभलगढ़ हो गया रासम। ये एक ही दुर्ग है जिसका डिटेल है, बाकी का कोई डिटेल नहीं है, नाम और जिला। थोड़ी सी बात देख लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता बस यही है। चित्तौड़ दुर्ग अगर आपको दिखाया हुआ मिलेगा तो विजय स्तंभ मिलेगी, अगर कुंभलगढ़ दिखाया मिलेगा तो ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार मिलेगी जिसे भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ऊंचाई पर है ये दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर एक महल है कटारगढ़। यहां कुंभक ने राजधानी ये बना ली थी, यहां से कुंभक पूरे मेवाड़ को देखता था, इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ के सबसे ऊपर महल है बादल महल, जिसे बादल भी टच करते हैं। इसी बादल महल में 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार महाराणा प्रताप जयवंताबाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये प्रश्न पीछे राजस्थान पुलिस में आया था, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था। इसमें कटारगढ़ बादल महल ऑप्शन नहीं थे, सीधा सीधा ऑप्शन था कुंभलगढ़, यानी महाराणा प्रताप का बचपन किस दुर्ग में गुजरा था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ये कुंभलगढ़ दुर्ग इतिहास में आज तक कभी नहीं जीता गया, इसे सिर्फ एक बार जीता गया था, ये 1578 में शाहबाज के समय। शाहबाज ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किया था, पीछे फैसलेट में आया था ये प्रश्न, एक बार जीता था। ये मेवाड़ वालों के जब भी कोई संकट आता था वो यहां जाते थे, इसे मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन संस्थली, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थली बोलते शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग को भी शाहबाज खान ने जीता था चंद्रसेन के समय, और इस दुर्ग को भी शाहबाज खान ने जीता है 1578 के अंदर। इसी दुर्ग के अंदर थोड़ा सा इधर एक कुंड है, मामादेव कुंड। यहां कुंभा पूजा कर रहा था, कुंभा के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, जिसमें बैकी बैकी बातें करना होता है, आदमी भूल जाता है, क्या वो उन्माद रोग होता है। और यहां कुंभा के पुत्र उदा आया और कुंभा की हत्या कर दी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। राजपूत सरदारों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसने जघन्य काम किया, पिता की हत्या की, इसे निकाल दिया और कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को बना दिया था राणा। अब कुंभा के एक दो मंदिर भी है, श्रृंगार चौरी, मीरा मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर और कुशाल माता मंदिर। श्रृंगार चौरी, कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी बोलते हैं, ये भी विद्वान विदुषी महिला थी। श्रृंगार चौरी इन्हीं के विवाह की चौरी है चित्तौड़गढ़। कुंभा के लगभग चीजें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। मीरा मंदिर ये भी चित्तौड़ में है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कुंभा का शासन काल है 1433 से 1468, जबकि मीरा का जन्म हुआ था 1498 में, यानी कुंभा की मृत्यु के 30 बाद। फिर भी मीरा मंदिर है, इसी कंफ्यूजन की वजह से टोड ने लिख दिया था कि मीरा जो है वो कुंभा की पत्नी थी, जबकि ऐसा नहीं है। मीरा मंदिर जो है वो पहले कृष्ण भगवान का मंदिर था, कुंभा स्वामी मंदिर था, मीरा इसमें बैठ के पूजा करती थी, इसलिए मीरा मंदिर नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो बनवाया इसे किसने था, कुंभा ने ही बनवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर पड़ते हैं पाली में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मथाई नदी के किनारे है, इसमें 1444 खंबे हैं, स्तंभों का वन बोलते हैं, घंटियों का मंदिर भी बोलते हैं। ये मालवा दोबारा जब विजय की थी ना कुंभा ने, तब बनवाई थी दित्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में, कुशाल माता का मंदिर। इसके बाद कुंभा का साहित्य है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, कामराज, रतिसार, ये 5-7 ग्रंथ है जो आप देख लेना रख लेना। कुंभा के बाद रायमल की बात नहीं है, फिर संग्राम सिंह की है। संग्राम सिंह का वीडियो मैंने डाल रखा है और संग्राम सिंह का दोबारा फिर से एक पूरे विवरण के साथ वीडियो बनाएंगे। संग्राम सिंह के बाद में है विक्रमादित्य, संग्राम सिंह का पुत्र। विक्रमादित्य के समय की एक ही बात है, बता देते हैं शॉर्ट में। अब चित्तौड़ का राणा बन गया संग्राम सिंह के बाद विक्रमादित्य, और सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती राजकार्य संभाल रही है। गुजरात का था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने सोचा कि मेवाड़ कमजोर तो चलो आक्रमण करते हैं। इसने 1534 में आक्रमण किया, लेकिन कर्मावती ने इसे रणथंभौर की जागीर देके वापस भेज दिया था।
और बहादुर शाह की हुमायूं के साथ बिगड़ गई। हुमायूं इस पर आक्रमण करने के लिए चला था, तब इसने सोचा कि हुमायूं आक्रमण करने आ रहा है, क्यों ना चित्तौड़ को जीत ले। इसने रूमी खां के नेतृत्व में दोबारा चित्तौड़ की घेराबंदी कर दी। तो बताते हैं कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए अपील की थी। हुमायूं वहां से चल भी पड़ा था क्योंकि दोनों काम ही करने, बहादुर शाह पे आक्रमण तो करना ही है। वो सहारनपुर ने पहुंचा, इधर से बहादुर शाह ने इसके पास खत भेज दिया था, बोल देख मैं जिहाद करने के लिए जा रहा हूं, तू बीच में मत आ, अपनी लड़ाई बाद में, हम बाद में लड़ेंगे। यानी इस युद्ध को चुपके से जिहाद घोषित करके बहादुर हुमायूं को सहारनपुर के लमसम रोक दिया था। फरिश्ता के अनुसार ये ग्वालियर में रुका था। जो भी है, अब यहां नेतृत्व संभाला बाघ सिंह ने। कर्मावती ने विक्रमादित्य और अपने पुत्र दूसरा उदय सिंह, इन दोनों को ननियाल बूंदी भेज दिया। बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हुआ और 1534-35 चित्तौड़गढ़ का दूसरा और सबसे बड़ा शाखा पूर्ण हुआ। यहाँ 13,000 रानियों ने जोहर किया था। इसके बाद में विक्रमादित्य की सब जानते हो, बनवीर ने हत्या की, उदय सिंह को मारना चाहा, पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को सुरक्षित पहले देवलिया के ठाकुर के पास, फिर डूंगरपुर और फिर लास्ट में कुंभलगढ़ ले गए थे, आसा शाह की देखरेख में रखा। इसके बाद में शासक बन गया उदय सिंह। में उदय सिंह के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ और 1569 में उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया, उदय सागर झील, और यहीं पे एक नया शहर बसाया उदयपुर। अकबर था शासक। अकबर ने नागौर पे आक्रमण किया था जैमल पर, जैमल राजा जैमल राठौड़ पर। जैमल इसकी शरण में आ गए थे, उदय सिंह की शरण में। अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात का था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह भी आ गया था, बाज बहादुर भी उदय सिंह की शरण में आ गया था। अकबर ने दोनों मांगे, उदय सिंह ने मना कर दिया। तब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेरा था 1567-68। यहां जैमल और फत्ता ने नेतृत्व किया, चार माह घेराबंदी चली, राजपूतों द्वारा लड़ा गया, सबसे अच्छा युद्ध माना जाता है, सबसे खतरनाक। इस युद्ध के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, इसका वीडियो डालेंगे। सबसे अच्छा युद्ध था ये, चार महीने तक कैसे कैसे रहा, क्या घेराबंदी रही, अकबर ने क्या किया, या 8,000 राजपूतों ने क्या किया, वो पूरी प्रोसेस है, एक घंटा लगता है समझाने में, लेकिन इसको कभी फिर डालेंगे। बहुत अच्छा युद्ध था ये चित्तौड़गढ़ का, तीसरे साके का। और यहाँ जैमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ और फत्ता की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जोहर हुआ था। ये चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका था। इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी गोगुंदा में। उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को राणा बना दिया था। मेवाड़ में एक रिवाज है कि जो राणा बनेगा वो दाग संस्कार में नहीं जाएगा, तो वहां जगमाल दिखाई नहीं दिया। तब राजपूत सरदारों ने पूछ लिया कि जगमाल दिखाई नहीं दे रहा, तब उन्होंने कहा कि जगमाल को तो राणा बना दिया। तब वो बाकी राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप का यही गोगुंदा में राज्याभिषेक कर दिया था। और उनके पास चित्तौड़ दुर्ग तो मुगलों के पास है, कुंभलगढ़ दुर्ग था, कुंभलगढ़ दुर्ग में सरदार गए, जगमाल को हटाया और महाराणा प्रताप का दोबारा कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ था। और इसे महलों की क्रांति कहा जाता है। इस दोबारा राज्याभिषेक के अंदर मारवाड़ से राव चंद्रसेन भी आए थे। प्रताप एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में अगर शॉर्ट में बताया तो भी 1.5 घंटे लगेंगे। तो नॉर्मल आप बातें देख लेना, हल्दी घाटी युद्ध है, थोड़ी सी ऐसी चार अभियान है। सबसे पहले जलाल खां, क्योंकि इसे बहुत विस्तार से बताना है, कभी पूरे डिटेल से करेंगे, 2-3 घंटे का चैप्टर है, इतिहास का एक महत्वपूर्ण योद्धा है। ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि भी एक बेइज्जती सी कर रहे हैं इतिहास की, ये सबसे अच्छा करेक्टर है इतिहास का। सबसे पहले 72 में जलाल खां, उसके बाद में 2 नंबर अभियान पे मानसिंह, मानसिंह का पिता भगवान दास, और लास्ट में टोडरमल, ये तीनों आए थे 73 में। टोटल 6 अभियान आए थे महाराणा प्रताप को समझाने, ये चार युद्ध से पहले। इसके बाद में आए थे 1580 में, और एक अभियान आया था 1584 में। 80 में रहीम जी आए थे, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीमन दागा प्रेम का वो रहीम जी। और सबसे अंत में आया था जगन्नाथ कछवा। इन्हें शांति अभियान बोलते हैं क्योंकि ये युद्ध से पहले है और ये युद्ध के बाद है। टोटल 6 अभियान, इनका क्रम ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले एक मुसलमान को भेजा जलाल खां, फिर मानसिंह को भेजा, और पहले बेटे को भेजा, बेटा कोई काम बिगाड़ दे तो बाप को भेजा जाता है, फिर बाप को भेजा भगवान दास को, और अंत में भेजा गया है टोडरमल को। सूत्र भी बना रखा है कईयों ने, तो कोई जरूरत भी नहीं है सूत्र की।
फिर आपको अर्धघाटी युद्ध की सारी बातें देखनी है, क्या क्या नाम है, क्या क्या है, वो डिटेल आधे घंटे अर्धघाटी युद्ध में लगता है, तो वो नाम ध्यान में रख लेना। 18-21 जून 1573 इधर वाले का रावण सेना का कौन, इधर वाले का कौन, वो नॉर्मल आप डिटेल पूरा देख लेना। इसके बाद में फिर है दिवेर का युद्ध, चार चौकियां है, फिर 1585 में राजधानी बनाई थी लूणा चामंडिया को हरा के, चामंड को, पीछे फैसलेट में आया था चामंड राजधानी कितने वर्षों तक रही, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 है, 97 में से घटा दिया था, जबकि चामंड राजधानी अमर सिंह के समय तक रही थी, 1615 में जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तब तक रही थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1585 से 1615 तक चामंड राजधानी रही थी, और फिर प्रताप की यही धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय मृत्यु हुई थी। इसको बहुत शॉर्ट में ले लिया मैं, पूरे डिटेल से वीडियो डालेंगे, बाद में डालेंगे। इसके बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, इन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी, कई अभियान आए थे इनको समझाने, 1605, 1608, 1609, 1611 और अंत में आया था 1613 खुर्रम साजा, 1605 शहजादा परवेज, फिर महावत खां को भेजा था, फिर अब्दुल्ला खां को भेजा था, फिर राजा बस्सू को भेजा था, और अंत में आया था खुर्रम या साजा। तो इनके बीच में 1615 में संधि हो गई जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। संधि की शर्तें यही थी, अमर सिंह की शर्तें थी, मैं तुम्हारे दरबार में नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा, उधर से एक शर्त रखी गई थी आप चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करोगे, और बाद में सारा चित्तौड़ उदयपुर वगैरह सब वापस दे दिए, और राजधानी हटके चामंड से वापस आ गई थी फिर उदयपुर। फिर मेवाड़ का अंतिम शक्तिशाली शासक जो है वो राज सिंह है, जिन्हें विजय कटकातु की उपाधि औरंगजेब से इनकी बनी नहीं थी, इन्होंने नाथद्वारा में नाथ जी का मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर और एक राजसमंद झील बनवाई थी। राजसमंद झील का दूसरा नाम राजसमुंद है, जो झीलों के अंदर मैंने डाल रखा है। तो मेवाड़ का मैन मैन ऐसी शॉर्ट में बता दिया आपको, थोड़ा सा दोबारा रीडिंग मार लेना इनका। ये थे राजवंश, इसके बाद में एकीकरण का थोड़ा डाल रखा है मैंने, क्रांति डाल रखी है, जनसंख्या डाल रखी है, किसान आंदोलन शॉर्ट में बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान आंदोलन का प्रश्न आता ही आता है, क्यों पुणे गुरुजी गुरु ओ गुरु बस आयो 5 मिनट में ठीक है आयो गुरु हाँ आयो गुरु आयो 5 मिनट बैठो हाँ लास्ट किसान आंदोलन शॉर्ट में बता देता हूं। बिजोलिया सबसे इंपॉर्टेंट, बेगू उसके बाद बूंदी, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में गड़बड़ होगी। बिजोलिया भारत में सबसे पहले आंदोलन यहीं से चले थे, बिजोलिया, बिजोलिया वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, या ये किस रियासत में था, ये मेवाड़ रियासत में था, उस समय मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था, चेतावनी रा चुंगठिया वाले। बिजोलिया में दाकड़ जाति के किसान थे, भारत का सबसे लंबा अहिंसात्मक चलने वाला आंदोलन है जो 1897 में शुरू हुआ, 1941 में जाके खत्म हुआ, पूछ लिया कितने वर्षों तक चला था, 44 साल तक चला था, यानी इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। भारत का मैराथन युद्ध है दिवेर का युद्ध, और मैराथन किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। इतने लंबे को हम तीन पार्टों में बांट लेते हैं आसानी से होने से, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण 1897 से 1915, दूसरा 1915 से 23 और तीसरा 1923 से 41। सर चरण कैसे बांटे, नेतृत्वकर्ता के आधार पर, प्रत्येक का नेतृत्वकर्ता बदलेगा क्योंकि 44 साल तक एक आदमी नेतृत्व नहीं कर सकता। हुआ क्या, गंगाराम दाकड़ के पिता की मृत्यु हुई और मृत्यु बोझ पर सारे किसान इकट्ठा हुए थे, वहीं पर निर्णय लिया कि यार 84 प्रकार की लाग बागे कैसे भरे। उसमें बिजोलिया का सामंत जो था वो था किशन सिंह या कृष्ण सिंह, तब वहां पे एक व्यक्ति था साधु सीताराम। साधु सीताराम ने सबको राय दी, बोले यार हो सकता है किशन सिंह गड़बड़ कर रहा हो, अपने एक कोई व्यक्ति जाके फतेह सिंह को समझाओ। बोल किसको भेजें, वो नानजी ठाकरी पटेल को भेज दो। ये गए, फतेह सिंह मिला नहीं, वो एप्लीकेशन उनके ऑफिस में छोड़ के वापस आ गए थे। फतेह सिंह ने हामिद हुसैन को नियुक्त किया था लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस बात की खबर मिली किशन सिंह को, किशन सिंह ने 1903 में इन पर एक कर ठोक दिया, चौरी कर, यानी टैक्स कम कराने के लिए गया था, एक नया और आ गया। किसानों ने विरोध में 2 साल तक लड़कियों के विवाह नहीं किए,
सारे किसान एकत्रित होके गए, बोल जी हम तो छोड़ के जा रहे हैं बिजोलिया। तब ये डर गया था और इसने चौरी कर समाप्त किया और लगान 50% के स्थान पे 40 कर दी। इसके बाद में सामंत बना पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने जैसे ही नया सामंत बनता है तब एक नया टैक्स लगता है, तलवार बंधाई। ये लगा था 1906 में। इसका विरोध हुआ, साधु सीताराम दास है, ब्रह्मदेव है, फतेहकरण चरण आदि के नेता। ये पहला चरण है। तो पहले चरण में याद रखना है, भारत राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास माने जाते हैं, भारत में विजय सिंह पथिक माने जाते हैं। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक करें। पहले में नेतृत्व याद रखना है, नानजी ठाकरी पटेल को भेजा था 1903 चौरी कर और 1906 तलवार बधाई कर। दूसरे चरण का जो नेतृत्व है पूरा, वो पूरा का पूरा नेतृत्व विजय सिंह पथिक संभालेंगे। विजय सिंह पथिक बुलंद शहर यूपी के थे। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था। इन्हें टोडगढ़ जेल में बंदी बनाए, यहां से भाग के चित्तौड़ के ओछरी साइड में चले गए थे और वहां महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अखबारों में निकलवाई इसकी खबरें, प्रताप, अभ्युदय, मराठा, इन अखबारों में खबरें छपवाई। और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में 1920 में। वहां बिजोलिया से कुछ किसानों को लेकर राजाओं के विरुद्ध में प्रदर्शनी लगवाई थी इन्होंने। तो गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को भेजा था कि यार पता लगा क्या बात क्या है। बाद में यहां 1922 में एक समझौता हुआ था होलैंड की मध्यस्थता से, बोल जी हम आपकी 35 लाख बागें कम कर देंगे। लेकिन यह समझौता इसलिए हुआ था कि 22 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके डर की वजह से बाद में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने बंद किया, यह समझौता भी फेल हो गया। तीसरे चरण में जो नेतृत्व किया वो सिर्फ नेतृत्व करता, याद रखना है, अपने सीकर से रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, हरिबा उपाध्याय, माणिकी लाल वर्मा। और 1941 में टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से समझौता हुआ और आंदोलन समाप्त। और बिजोलिया में एक ध्यान थोड़ा सा ये रख लेना, बिजोलिया के अंदर तुलसी भील नाम का एक व्यक्ति था जो किसका कार्य करता था, संदेशवाहक का कार्य करता था, यानी 15-20 किलोमीटर रोज चलता था और लोगों को सूचना देता था इसके बारे में। तो बिजोलिया लंबा आंदोलन है, लेकिन बातें जो मेन थी वो सारी बता दी मैंने। 44 साल, दाकड़ जाति, भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन, साधु सीताराम दास, नानजी ठाकरी पटेल, इसके बाद में महाराणा, फिर किशन सिंह 1903, फिर 1906 पृथ्वी सिंह, उसके बाद में फिर दूसरा चरण विजय सिंह पथिक, फिर कई अखबारों में निकलवाए, नागपुर में निकलवाए, 1916 किसान पंच बोर्ड, 17 में उपरमाल पंच बोर्ड, इसके बाद में फिर वो पोलैंड के मध्य समझौता, फिर तीसरे चरण में 2-3 नेतृत्व करता, फिर टी विजय राघवाचार्य की मध्यस्थता से समझौता। बेगू के किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और बिजोलिया में विजय सिंह पथिक के पास आए, बोल जी हमारा नेतृत्व करो। विजय सिंह पथिक ने भेजा कि आपका नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी करेंगे, यानी विजय सिंह पथिक के कहने पर बेगू का नेतृत्व रामनारायण चौधरी। बूंदी वाले रामनारायण चौधरी के पास आए कि हमारा नेतृत्व करो, तो रामनारायण चौधरी ने कहा कि आपका नेतृत्व करेंगे नैनूराम। तो यहां का नेतृत्व रामनारायण के कहने पर नैनूराम जी ने किया, नैनूराम शर्मा के अंदर। अब देखो कंफ्यूजन कहां होगी, वो आपसे पूछेगा कि नानजी नानक जी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, अर्जी गीत कहां लिखा गया, पंचीड़ा गीत कहां लिखा गया, रूपा जी कृपा जी किससे संबंधित है, बोल सेविक समझौता किससे संबंधित है, बस ऐसे पूछता है वहां गड़बड़ हो जाती है। वो पूछेगा नानजी नानक जी बिल किस किसान आंदोलन से, बठगोड़े क्या नानक जी, बिजोलिया मोग, बेगू मोग, बूंदी मोग, वहां गड़बड़ है। आप ऐसा करो, इस नय को पकड़ो, नय से नैनूराम, नय से नित्यानंद, नय से ही नानक जी, यानी बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व नित्यानंद, नानक जी बिल। यहां एक सम्मेलन हुआ 1903 में डाबी में और गोलीबारी के अंदर नानक जी भील मारे गए। यहां के कार्यकर्ता नानक जी भील को ले गए थे, पुलिस के हाथ नहीं लगने दिया था इनके शव को। 9 दिन बाद देवगढ़ में इनका दाग संस्कार हुआ था, नारेड़ी नारेड़ आए थे, इनका दाग संस्कार नारेड़ से हुआ था। बूंदी में इनका बहुत ज्यादा चर्चा, उनके गीतों में बहुत नाम लिया था। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर दो व्यक्ति थे यहां। अब अर्जी गीत कहां लिखी गई, ये दोनों वैसे माणिकीलाल वर्मा ने लिखा था, अर्जी कहीं और लिखा है, पंचड़ी कहीं, कैसे याद करेंगे। अर्जी का मतलब होता है एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट,
नानक जी चले गए भगवान के पास सौरग में, तो माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी से अर्जी की, अप्लीकेशन की है कि थे तो भगवान कन चलिया गया लेकिन मान ने तो अनाथ कर गया, थे भगवान ने कोक मारो उद्धार करे महर्षा गेट शोषण हो रहे। यानी अर्जी गीत उन्होंने नानक जी भील के लिए, नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, झंडा गीत विजय सिंह पथिक का लिखा हुआ था, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। और पंचछेड़ा गीत विजय माणिक्य लाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में लिखा था, तो एक चीज ध्यान, बिजोलिया में ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्यों इसके ज्यादा नेतृत्व करता है, या तो ऐसे बनेगा प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया, साधु सीताराम दास, बाकी या फिर नेतृत्व किसने नहीं किया, ऐसा प्रश्न जरूर हो सकता है। या तो आप ऐसे करो, दो ही नाम पकड़ लो, बे बो और बेरो को नहीं बेरू, ये दो ही नाम ध्यान रखो। बेगू का, बेगू में बोल सेविक, बेबो, बेगू में बोल सेविक, बोल सेविक मतलब यहां का सामंत था अनूप सिंह, विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से किसान और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, इसने कहा कि आपकी लागबागे मान ली जाएगी, मैं महाराणा को कह दूंगा। बेगू भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का, महाराणा ने कहा कुछ नहीं है, दिस इज बोल सेविक समझौता। बेरू, रू का मतलब रूपा जी कृपा जी, और यहां मारे गए थे ट्रेच ने गोलियां चलाई और रूपा जी और कृपा जी मारे गए थे, तो ये तीन किसान आंदोलनों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बचा है अलवर, सिक्कर, मारवाड़ और बीकानेर। अलवर ने, मेवो ने विद्रोह किया था, मेव आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था, और यहाँ का आंदोलन धीरे धीरे सांप्रदायिक हो गया था, हिंदू मुसलमान हो गया था, यानी कहाँ के किसान आंदोलन सांप्रदायिक हो गए थे, मेव। यहाँ की सबसे बड़ी घटना है निम्बू चना, कद हुई गुरु जी 14 मई 1925, छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर बोलते, छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, किसान मारे गए। इसका कंपेरिजन होता है जलियावाला से, निमोचना का, कैसे गुरु, इसको निमोचना हत्याकांड तो नाम दिया था रामनारायण चौधरी ने, इस हत्याकांड को दूसरा जलियावाला यानी जलियावाला से भी भयंकर बताया था रियासती अखबार जो दिल्ली से निकलता था, और गांधी जी ने इसे डबल डायरिज्म कहा था। और एक जलियावाला कहा जाता है मानगढ़ हत्याकांड को, 1913 में हुआ था, उसकी तुलना भी जलियावाला से होती है। इसके बाद में सिक्कर के जो किसान आंदोलन थे उनका नेतृत्व भी वैसे रामनारायण चौधरी ने किया था। यहाँ 1931 में क्षेत्रीय जाट सभा की स्थापना हुई और 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ था। सिक्कर के किसान आंदोलन की विशेष बात ये, यहाँ के किसान आंदोलन की खबरें इंग्लैंड का एक अखबार है डेली हेराल्ड, उस डेली हेराल्ड में छपी थी। अब जब अखबार में आ गई तो फिर संसद में मामला उठा, अंग्रेज था लॉरेंस, उसने इस मामले को संसद में उठाया था हाउस ऑफ कॉमन, यानी कहाँ की किसान आंदोलन की खबरें इंग्लैंड में, सिक्कर की किसान आंदोलन की, हाउस ऑफ कॉमन में उठाया था लॉरेंस ने, यानी वहां की संसद में मामला उठा था। यहाँ की प्रसिद्ध घटना है कटराथल सिक्कर, बस यहाँ का प्रसिद्ध प्रश्न है किशोरी देवी, बार बार यही आता है, हरलाल की पत्नी थी ये, प्रश्न यही आता है कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, किशोरी देवी ने, और यहाँ वक्ता का कार्य किया था उत्पान। वैसे अगर आपसे पूछ लेना कहाँ किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था तो वो बूंदी मैन है, बूंदी में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, वहां किसान आंदोलनों में महिला ने भाग लिया था। सिक्कर में एक जगह है कुद्दन, यहां भी लॉर्ड वेव ने गोलियां चलाई, जयसिंहपुरा में भी हत्याकांड हुआ था, ये दो तीन एक नाम है थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर में पानी के लिए आंदोलन हुआ था आबियाना करके लिए, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में गए थे, पीछे से एक अखबार निकलता है बीकानेर दिग्दर्शन, उसमें खबरें छपवा दी थी चंदनमल भेड़ ने गंगा सिंह के विरुद्ध, तो इसे कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र केस। और यहां जो मैन है वो है दूधवा खारा आंदोलन, दूधवा खारा पड़ता है चूरू के अंदर, इसका नेतृत्व तो हनुमान सिंह वगैरह ने किया, हनुमान सिंह एक पुलिस अधिकारी थे, एग्जाम में आया था कहां की किसान आंदोलन का नेतृत्व तो एक पुलिस अधिकारी ने किया था दूधवा खारा। मारवाड़ में वैसे मादा पशुओं के निष्कासन के विरोध में आंदोलन हुआ, यहां एक नाम याद रखना चांदमल सुराणा, सुराणा होता है बनिया, यानी बनिया का मतलब फिर नापतोल, 1921 यहां तोल आंदोलन हुए थे 1921।
सौ शेर से संबंधित था वो तोल आंदोलन। लास्ट घटना है डाबड़ा हत्याकांड, कब हुई थी 13 मार्च 1947। डाबड़ा पड़ता है डीडवाना नागौर, यहाँ कुछ लोग मारे गए थे जिसके अंदर है रामूराम, चुन्नीराम, धन्नाराम, नंदराम आदि दो तीन एक नाम है, वो पीछे एग्जाम में आया था पुलिस वाले कि रामूराम, चुन्नीराम, धन्नाराम, रुगाराम आदि किस किसान आंदोलन में मारे गए, तो ये थे डाबड़ा हत्याकांड। तो लगभग हिस्ट्री का रिपीट मार दिया है, इसे एक दो बार आप और देख लें, फायदा ही होगा, लगभग प्रश्न आपको इनमें से कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।